can't believe तुमने अभी तक अपनी मम्मी से मेरा जिक्र भी नहीं किया। प्लीज मुझे गलत मत समझो। तुम अभी भी मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? कुछ माह पहले ही तो मैं यहाँ से पास आउट हुआ हूँ, अभी ऑफिस जाना स्टार्ट किया है, फिर मैं मम्मी से तुम्हारे बारे में बात कर सकूंगा। कश्यप तुम समझ रही हो ना? नहीं ऐसा नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आज ही मम्मी से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी कोई बात नहीं टालेंगी मम्मी। कश्यप चेयर अप प्लीज, कश्यप थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए। यकीन भी मेरे बस में नहीं है, बल्कि सच कहूं ऐसा मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझ पाते? कश्यप तुम फिजूल में परेशान हो रही हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा बहाना है तुम्हारे एग्जाम्स का, सिर्फ एक दो दिन की मोहलत, इंशाल्लाह सब कुछ सेटल हो जाएगा। तुम्हें अपने घर वालों को सिर्फ एक दो दिन के लिए रोकना है किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से, प्लीज कश्यप। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आज ही से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ, आज ही उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, ठीक है? आई प्रॉमिस कश्यप, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो प्लीज। तुम सही कह रहे हो ना, आज वाकई तुम अपनी मम्मी से बात करोगे? ऑफ कोर्स यार, तुम इतना तो मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो ना? कश्यप मैं खुद भी तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। बहुत थक गई हूं मैं, हाय हाय, इस गर्मी में ना किचन में काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कश्यप कहाँ है? तुम्हारा हाथ क्यों नहीं बटाती कश्यप? उसे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से फुर्सत होगी तो मेरा हाथ बटाएगी ना। एक तो मैं इस लड़की की पढ़ाई से बहुत तंग आ गया, न जाने इसकी पढ़ाई कब खत्म होगी। खैर एक काम करो, आज तुम रेस्ट करो, कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं और अब्बा कहीं बाहर खाना खा लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो जानते हो ना कि मामूजान को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी अब सब कुछ मैंने बना ही लिया है, तो आप लोग बस ऐसा करें कि थोड़ा सा जल्दी आ जाएं। तुम कितनी अच्छी हो ना फौजी। नहीं आमिर, आप बहुत अच्छे हैं। चल अल्लाह हाफिज। अब ऐसा कैसे चलेगा? सारे घर का काम संभालती है, किचन संभालती है, और उसके बाद उसके साथ यह सलूक किया जाता है। 2 साल हो गए इसके यूनिवर्सिटी के ड्रामे को चलते हुए, और कितना चलेगा? क्या आपने इससे जॉब करवानी है? ना तो ये सब बातें मेरे समझाने की है क्या? ये माँ किस मर्ज की दवा है ये नहीं समझा सकती कि डिग्री इतनी जरूरी नहीं है, इतनी घरदारी सीखनी जरूरी है। अगर नहीं तो जैसे कसम खा रखी है कि मुझे अजियत दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं देना, कभी कोई खुशी मेरे करीब नहीं आने देनी। कश्यप ही करती है सब कुछ,
शान सुन लिया आपने, सुन लिया? सारा काम तो कशफ करती है, मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो बिस्तर तोड़ती रहती हूँ ना सारा दिन। ए बेटा, तुम अपना दिल खराब न करो। इस लड़की का क्या है? ये तो जिस दिन पैदा हुई थी मेरी जिंदगी का स्याह तरीन दिन था। 3 फैक्ट्रियों का मालिक था मैं, और उस दिन एक फैक्ट्री में आग लग गई, एक की छत गिर गई, कई मजदूर उसमें मारे गए, और मैं आज दिन तक मुकदमे भुगतते भुगतते आसमान से जमीन पे आ पहुंचा हूँ। उसी दिन मुझे तो समझ आ गई थी कि अब जिंदगी से राहतें और खुशियां सब रुखसत हुई, अब तो अजियतें दुख और कर भी रह गया मेरे लिए। बहुत रो चुका अपने नसीबों को मैं, बहुत रो चुका। मामूजान, मामूजान, अस्सलाम वालेकुम। आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था तो सोचा आप लोगों के साथ आके लंच ही कर लूं। अच्छा किया, जाओ हाथ धोकर आ जाओ और खाना शुरू करो। हाथ मेरे बिल्कुल साफ। वाह, क्या लज्जत है खाने में। अम्मी आपने बनाया ना, खाने के टेस्ट से पता चल रहा है। तुम्हारी माँ को ड्रामों से फुर्सत मिले तो घर का कोई काम करे ना। फौजिया के आने से पहले जो थोड़ा बहुत दाल दलिया कर लेती थी, अब तो उससे भी फारे हो गई। अबू ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी भी इस घर में काम करती है और कशफ भी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अम्मी के हाथ का खाना। पर तुम क्या हर घर में बैठे रहते हो जो इतनी गारंटियां दिए चले जा रहे हो। रहने दे मामू जान, जब समरा आएगी ना इसे हकीकत पता चल जाए। अभी तो इसे हम सब गलत लग रहे हैं ना। एक्सक्यूज मी भाभी, मैं आमिर भाई की तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी की बातों में आकर घर में झगड़े शुरू कर दूं। कहना क्या चाह रहा है? घर में फसाद मेरी वजह से होता है? जी हाँ, आप ही करती हैं। आपने ही अब्बू को मामू जान के कान मैं भरती हूँ। चुप हो जाओ इमरान, बस यही खत्म करो उस मामले को। मामला तो अभी शुरू हुआ है। तुम खड़े होके मेरे सामने मुझसे ये कहो कि इस घर में फसाद मेरी वजह से होता है, उठो। आप अब्बू की हमदर्दियां हासिल करने के लिए जो भी ड्रामे करती है ना एक दिन वो सारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। मैं ड्रामे करती हूँ। मामू जान सुना आप, ये लोग कहते हैं कि मैं ड्रामे करती हूँ, मैं आपके कान भरती हूँ, फसाद मैं करती हूँ। फौजिया, देखा अब आपने, इस घर में मेरी बीवी को क्या समझा जा रहा है। यार बेटा, मेरी जान, तुम्हें तो पता था ना, तुम इन्फॉर्म थे कि इसी महीने मैंने सिंगापुर जाना है। एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके साथ हम पिछले 7 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, मेरी डील खराब हो रही है उनके साथ। अगर मैं नहीं गई ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। भी मेरे साथ भी जाना आपका बहुत जरूरी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने आज ही जाना, वरना मैं उससे आज का वादा ना करता। तो बेटा, इमरजेंसी की सूरत में तुमने माजरत कर लेनी चाहिए। अम्मी, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो पॉइंट्स भी मेंशन कर देंगे और बाकी मीटिंग तो वही फॉर्मेट पे होगी। ठीक है ठीक है, हाँ मैं मिलती हूँ ना तो फिर डिटेल में बात करते हैं। ओके बाय। कितने दिनों के लिए जा रही हैं आप? क्योंकि 5-6 दिन लग सकते हैं। एक हफ्ता? हाँ बेटा। ओप्स, देखो ना जल्दी में यही होता है सबका। देखिए मेजा, तुम्हें परेशानी किस बात की? अच्छी बात है ना, मैं जितने दिन वहां रहूंगी तो तुम्हें यहाँ सब कुछ संभालने का मौका मिलेगा, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बात तो ठीक है अम्मी, लेकिन मुझे आपको अपने साथ ही लेके जाना था, बहुत जरूरी था। अगर आप कहें तो हम चलें। हाँ सूटकेस रख दो गाड़ी में, मैं आ रही हूँ। एहसन बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 5 बजे की फ्लाइट है, अगर रास्ते में ट्रैफिक जाम मिला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कह रही हूँ ना, मैं वापस आती हूँ तो जाएंगे जहाँ तुम चाह रहे हो। बाय द वे, किसके घर जाना है? कशफ की तरफ, उसके घर। कशफ? कौन है कशफ? आएंगे तो बताऊंगा आपको। ओके टेक केयर, बाय। ख्याल रखिएगा अपना।
किस्मत। कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे घर से जाते हुए या आते हुए ये मेरे सामने ना आया करे, जब ये सामने आती है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। जुलेखा ये पानी ले जाओ बिल्कुल, मैं यही तो लेने आई थी। अरे इतना सब कुछ तुमने बना लिया, अभी तो आई थी तुम थकी हारी यूनिवर्सिटी से। बेटा इतना काम ना किया करो, थक जाओगे बीमार पड़ जाओगे। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक। ना करे कि मेरी बेटी को कुछ हो। अच्छा बेटा एक बात कहनी थी तुमसे मुझे। जी अम्मी। बेटा वो तुम्हारी भाभी है ना फौजिया, उनसे जरा दोस्ती बढ़ाओ, अपने ताल्लुकात जरा ठीक कर लो प्लीज। तो क्या मेरे चाहने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं बेटा, फिर भी तुम्हारी बड़ी भाभी है ना वो, तुम जरा सी कोशिश करोगी ना तो उससे घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। और तुम्हारे अब्बा के दिल में जो ये खलिश है कि उनकी बहन इस दुनिया से ना खुश गई, तो हो सकता है उनका ये दुख भी कम हो जाए। लेकिन ये फौजिया भाभी मुझे पसंद ही नहीं करती। अब आप खुद ही बता। चलो कम से कम मैं घर के इस तरह कोनों में छुप छुप के लोगों की चुगलियां नहीं लगाती। अगर मैं आप दोनों को इतनी बुरी लगती थी, इतनी नापसंद थी, इस घर में मुझे ब्याह कर क्यों लाए आप लोग? नहीं नहीं फौजिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो कश्यप से ये कह रही थी कि तुम्हारे साथ वो। आंटी मैं अच्छी तरह से समझती हूँ और जानती हूँ कि आप क्या कह रही थी और क्या सोच रही थी। यही चाहते हैं ना आप कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं कहीं और? सुबह इमरान के कान भी तो आप दोनों ने ही भरे थे ना। नहीं नहीं तो फौजिया बेटा तुम नाराज मत हो, अगर कश्यप की या मेरी तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। अम्मी आप क्यों माफी मांग रही हैं? देखा आपने, देखा अपनी बेटी का गुरूर और उसका घमंड। कश्यप, कश्यप अब क्या तुम भी इमरान की तरह मेरी बात नहीं मानोगी? चलो सॉरी भाभी, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। इट्स ओके। लो जी जलती हुई रोटी जानबूझ के लिए मेरे लिए छोड़िए ना, ताकि इसे देख के मामू जान ये कहें कि फौजिया ने जली हुई रोटियां खिला दी हमें। तुम रहने दो, मैं बना लूंगी रोटी। ठीक है तुम क्या कह रहे हो ऐसन? I'm sorry कश्यप, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अम्मी को यूं इमरजेंसी में सिंगापुर जाना पड़ जाएगा। जाना था मुझे, इस चीज का पता था, लेकिन आज ही चले जाएंगे इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब क्या होगा ऐसन? I know, मैं खुद भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। गलती मेरी भी है कि मैंने इतने महीने ये मामला लटकाई रखा, क्योंकि मैं जानता था तुम स्टडीज कर रही हो और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ऐसन यूं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अगर तुम थोड़ी हिम्मत करो तो। क्या मतलब?
कम ऑन यार, मदर्स तो बहुत कोऑपरेटिव होती हैं। आई मीन अगर तुम आंटी से बात करके इस प्रपोजल वाले मामले को थोड़ा डिले कर दो, उस दौरान अम्मी भी आ जाएंगे और मैं अम्मी को तुम्हारी तरफ ले आऊंगा। कश्यप तुम चुप क्यों? मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। बात कुछ ज्यादा सीरियस है ना एहसन, तभी तो मैं इतनी परेशान हूँ। कश्यप अगर तुम कहो तो मैं अकेला तुम्हारे पेरेंट्स आके मिल लूं। नहीं नहीं एहसन, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। तुम जानते नहीं हो मेरे घर वालों को क्या? अगर उन्हें पता भी चल गया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, समझो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें कुछ नहीं बताना हमने। अच्छा अच्छा ठीक है, काम डाउन, चल। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट तुम इतना तो कर सकती हो ना कि अपनी अम्मी से बात कर लो कि इस मामले को थोड़ा डिले कर ले। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अम्मी से बात करने की, लेकिन कम ऑन, अगर लेकिन से बात शुरू करोगी तो कुछ भी नहीं होगा। कश्यप मैं तुम्हें आखिरी दफा बता रहा हूँ, तुम अपनी अम्मी से बात कर लो वरना मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं करती हूँ कुछ। तुम किसका फोन था? कश्यप तुम भी आके खाना खा लो ना बेटा, ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ प्लीज कश्यप आके खाना खा लो, क्योंकि मामू और आमिर तो गरम गरम फुलकिया खा रहे हैं ना, मैं लाती रहूंगी। नहीं नहीं भाभी आप खाना खाएं, मैं कर लेती हूँ। सही है, एक ही जिम्मेदारी है तुम्हारी, बाकी सारा काम मैंने किया है। ये भी मैंने कहा था कि फुलकिया भी मैं बना लूंगी, लेकिन नहीं, नंबर किसने बनाने हैं फिर? फौजिया मैं सच्ची बात है बेटा, तुम्हारे यहाँ बहुत जायका, बिल्कुल मेरी बहन हाजरा जैसा लायका। बाबू जान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तेरे बेटा खुश हो, काफी बदल गए, काफी सालों बाद लगा चक्कर इस बार। हाँ बाबू जान, तकरीबन 6 साल बाद मैं वापस आया। मैं फौजे की शादी में नहीं आया था, उसके लिए मैं बहुत माजत खा। हाँ मामू जान, मैं बहुत नाराज हूँ इनसे, कितने महीनों से एक फोन कॉल तक नहीं किया आपने। अरे नाराजगी की क्या जरूरत है, आ तो गया हूँ, अब रहूंगा बहुत सारे दिन, और तुम्हारी शादी का तोहफा भी मुझ पे ड्यू है। अरे तोहफे की क्या जरूरत है, आप आ गए यही हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा। नहीं नहीं आमिर, तोहफे की तो जरूरत होती है, और अपनों की शादी के लिए तो फिर महंगा और आला तोहफा होना चाहिए। क्यों बेटा, लंबे सफर से आए हो, रात भी काफी हो गई है, मेरा ख्याल है आराम करो, बाद में बातें करेंगे। मामू जान मुझे माजरत, आप लोग भी खामा खा मैंने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है आप आराम करें। शब बखैर। शब बखैर। अरे कश्यप उठी नहीं तुम अब तक? यूनिवर्सिटी नहीं जाना आज? अरे तुम्हारे कपड़े लेके आई थी। अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ, फौजिया ने कुछ कहा तुम्हें? तो फिर क्या बात है बोलो। अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो क्या बात है कश्यप, बताओ क्या बात है बेटा? अम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, पढ़ना चाहती हूँ, स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ। बेटा तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी स्टडीज, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की वजह से कितना कुछ मुझे सुनना पड़ रहा है। प्लीज अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी किसी से भी। एक बात बताओ, कहीं गड़बड़ तो नहीं? नहीं जी, गड़बड़ कैसे, कहीं तुम्हें खुद कश्यप ने तो नहीं कहा कि रिश्ते को मुलतवी करवा दिया जाए? नहीं नहीं उसने नहीं कहा जी। कश्यप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है,
मैं इस हक में नहीं था कि कॉलेज के बाद उसे मजीद तालीम दिलवाई जाए। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स था कि तुम्हारी बेटी बहुत तालीम याफ्ता हो। तुम्हारी इन बातों से मुझे शक हो रहा है, बल्कि मेरा शक यकीन में बदल रहा है कि कशफ ने तुमसे कहा है कि किसी न किसी बहाने शादी फिलहाल मुलतवी करवा दी जाए। जी, वो अभी हम इमरान की शादी कर रहे हैं ना, तो 3-4 महीने के बाद कशफ का सोच लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ नवीद भाई, ये कशफ है, आमिर की छोटी बहन। याद है ना, जिस दिन पैदा हुई थी मामू जान की फैक्ट्री में आग लग गई थी। हाँ हाँ, मैं तो काफी दिन पहले आपसे मिला था, काफी आप छोटी सी थी, है ना? आपने देखा है ना, इतनी सालों बाद। कशफ आओ, बैठो हमारे साथ चाय पियो। नहीं भाभी। अच्छा कशफ, ये नवीद भाई हैं, कल रात को ही आए हैं। तुम तो जल्दी सो गई थी ना रात को, आंटी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। इस्मत आंटी से तो काफी मुख्तलिफ दिखती हुई है फौजिया। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। मतलब कशफ तो बहुत प्यारी है, देखो ना किरंगा तो बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी है, और नैनक्ष देखो, देखो बिल्कुल मामू की जैसी। भाभी मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। कहाँ जा रही हो तुम? यूनिवर्सिटी। लेकिन इस्मत आंटी तो कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? लेकिन भाभी मेरा भी यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है, बस कुछ नोट्स कंप्लीट करने हैं, और वैसे भी वो एग्जाम्स के बाद हमें फ्री कर देंगे। सारे घर का काम कौन करेगा? तो जानती हो कशफ की मामू जान को किचन में मुलाजिम बिल्कुल पसंद नहीं है ना। नवीद भाई देखे, हमारे घर में ना खाना सिर्फ घर की खवातीन ही बनाती है। नहीं, ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, सारा बोझ मुझ पर पड़ता है। यू नो आंटी की तो तबीयत खराब रहती है, और कशफ यूनिवर्सिटी चली जाती है। भाभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ। कशफ प्लीज जल्दी आ जाना। जी भाभी मैं जल्दी आ जाऊँ। नुमान के साथ, वही नुमान जो पूरे शहर में बदनाम है, उसकी आप लोग कशफ से शादी कराना चाहते हैं? कशफ, कशफ मेरी बात सुनो, नाराज हो मुझसे? मैं क्यों होंगी तुमसे नाराज? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? एहसन मेरी क्लास है और मुझे पहले देर हो चुकी है। तुम क्लास अटेंड करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं, और प्लीज मेरी कशफ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुबारक हो अब्बा, हमारी वो डील कैंसिल हो गई। ये कैसे हो सकता है, अभी 2 दिन पहले तो मेरी बात हुई उनसे। पापा बेवकूफ बना रहे थे, उन्हें टाइम चाहिए था मजीद। जिस कोरियन कंपनी के साथ वो अपना एग्रीमेंट करना चाहते थे, उसी कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ, और वो भी अगले 3 साल के लिए, पर हमसे उन्होंने माजरत कर ली है। सारे मामला तय थे, आज उन्होंने डाउन पेमेंट करनी थी। नहीं करनी थी उन्होंने डाउन पेमेंट, और ना ही करेंगे। मैं बात करता हूँ रिजवी साहब से। कोई फायदा नहीं है अब्बा कॉल करने, क्योंकि रिजवी साहब रात की फ्लाइट से कोरिया चले गए, और अगले 1 महीने तक उनकी वापसी का कोई इरादा नहीं है। एहसन हम यहाँ क्यों आए हैं? चलोगी तो बताऊंगा ना। पहले मुझे बताओ हम यहाँ क्यों आए। हम यहाँ एक बहुत खास चीज चूज करने आए हैं, तुम चलो।
क्या चूज करने आए हैं? चलो आओ बताता हूँ। मुझे बताओ कश्यप। चलो चलो। अब्बा अब्बा एक मिनट। अब्बा ये कश्यप बैठी थी। कश्यप तुम यहां क्या कर रही हो? वो बुक्स लेने आई थी मैं अपनी दोस्त के साथ। बुक्स और यहाँ? अब्बा मैंने आपसे कहा था ये यूनिवर्सिटी नहीं जाती, कोई पढ़ती वर्ती नहीं है, ये यहाँ ऐसे आवारा गर्दी करती रहती है। तुम किसके साथ आई हो मुझे बताओ, बताओ तुम किसके साथ आई हो? या तो मुझे मत मना। चलो मार्चल की बात करते हैं। तुम घर चलो, मैं देखता हूँ। कश्यप क्या कह रहे तुम्हारे अब्बू, कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कैसे खुलेगा इसका मुंह? हमारी इज्जत खराब कर दी है इसने, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। हेलो तो भाई ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी जिद थी ना कि इसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए ताकि ये आला तालीम याफ्ता कहलाए और तुम लोगों के सामने फखर से सर तान के फिरो कि देखो मेरी बेटी कितनी अल्लामा बन गई। अब ये है तुम्हारी दी हुई आजादी का नतीजा। कश्यप घर पे क्या कर रही? मैं पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें यूनिवर्सिटी में कैसे मिलती है इमरान? इसे तो हम किसी शॉपिंग सेंटर से पकड़ कर लाए हैं, पता नहीं यूनिवर्सिटी जाती भी है या नहीं। आज रंगे हाथों पकड़ कर लाए हम इसे। आमिर भाई क्या बात करें, भाभी ने मुझे कहा था कि इसको यूनिवर्सिटी से पिक कर घर लेके आओ। पागल हो गई है फौजिया, जो परेशान होती है इस जैसी लड़की के लिए उसे पिक एंड ड्रॉप करना है। मैं इसको कोई जरूरत नहीं है पिक एंड ड्रॉप की। किसके साथ थी? किसके साथ थी? कौन था वो? कौन था? बोल। आज के बाद इसका यूनिवर्सिटी जाना तो क्या, घर से निकलना भी बंद। एक हफ्ते के अंदर अंदर दो बोझ बढ़वा के धक्का दूंगा इसे घर से। तुम ऐसे करीब ही नहीं देखना चाहता। मामू मामू भाई आपको क्या लगता है भाई मैं कुछ गलत कर सकती हूँ? हाँ मैं मॉल गई थी लेकिन खुदा ना खास्ता किसी के घर तो नहीं गई थी ना, और फिर बाजार तो हर कोई जाता है। शिफ अगर कुछ गलत नहीं किया तो अबू को यकीन दिलाओ इस बात का। फौजिया भाभी को भी मौका मिल गया ना, पता नहीं क्या कुछ डाल रही होंगी अबू के दिमाग में। अबू भरोसे ही कहां करते हैं मुझ पर, मैं चाहे कुछ भी कर लूं अबू मेरे एतबार नहीं करेंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है ये भी जानती हो ना तुम? हाँ इसकी जिम्मेदार भी मैं ही। वही भाई वो देखिए मैं एक ठीक है ठीक अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बाप, क्या कह रहे थे वहीद अंकल, कब आ रहे हैं वो लोग? बाप नहीं आ रहे, उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। क्या मगर क्यों, कह क्या रहे हैं वो, क्या वजह बताई उन्होंने, या बाद में आएंगे? मुबारक हो मियां, और तुम्हारी इस मिस्कीन सूरत वाली माँ को भी मुबारक हो। तुम्हारी मासूम बहन कश्यप की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर अब हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। क्या प्यार है अगर मामला ज्यादा खराब हो गया तो? क्या साथ है तेरा? आ जाए।
एंगलठी उसी ने पहनाई है ना जो तुम्हें मॉल में मिला था। क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़े मेरा। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कश्यप, इसमें साफ लिखा नजर आ रहा है कि तुम किसी से मोहब्बत करते हो। कश्यप तुम मेरी आंखों में देख सकती हो कि क्या लिखा है, पढ़ सकती हो? तुम्हें वाकई किसी और से मोहब्बत है? छोड़े मेरा हाथ। तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें जैसे समझते हैं तुम वैसी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कश्यप, मैं गवाही देता हूँ कि तुम बहुत मासूम हो, तुम बहुत शरीफ लड़की हो, बिल्कुल फरिश्ता जैसी। तुम्हें पहली बार देख के कोई भी अपना दिल हार सकता है। तुम अगर बोलो तो मैं आमिर और अंकल से बात करूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारा फैमिली मैटर है। समझ नहीं रही हो, जो वो लोग जो तुम्हारे साथ रवैया रखते हैं मुझे पसंद नहीं आता ना। मैंने कहा ना ये हमारे घर का मामला है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी मजबूरी भी तो समझो ना। क्या मतलब? मतलब ये कि ये मेरे दिल और मेरी जिंदगी का मामला है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ कश्यप, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो नवीन बेटा? मामूजान अगर आपने मुझे बेटा कह ही दिया है तो फिर मुझे बेटा बना ले। नवीन भाई ये क्या कह रहे हैं आप? भाई तुम ही ने तुमसे वादा किया था कि तुम मुझे यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं दोगी, मेरे दामन खुशियों से भर दोगी। नवीन भाई आप बहुत अच्छे हैं, और आप यकीन करें मैंने ऐसे ही नहीं कहा, मैंने दिल से कहा है। तो फिर मामू जान से सिफारिश करो कि कश्यप का हाथ मेरे हाथ में दे दे। नवीद भाई ये क्या कह रहे हैं आप? मामू जान आपको तो पता है कि मैं पाकिस्तान क्यों आया था, क्योंकि आपके मशवरे से किसी अच्छी साख वाली कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकूं। बिजनेस में पैसा लगाना है आपने, वो भी यहाँ? ऑफ कोर्स, क्योंकि आमिर कई साल बाद, लेकिन आना तो वापस मुझे यही है, ये मेरा मुल्क है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो हमारी फैमिली का अपना एक बड़ा बिजनेस हो। माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मामूजान मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है, डैड के जाने के बाद आप ही तो हैं जो सिर्फ मेरे लिए दुआ कर सकते हैं। बेटा मुझे मालूम है कि मेरी उम्र हुमा जन्नती बहन हाजरा ने तुम्हें अपना बेटा बना रखा था, उस हवाले से देखा जाए तो तुम मेरे भी बेटे हुए। मामूजान फिर आप मुझे अपनी फर्जंदी में ले रहे हैं? ठीक है बेटा, कल शाम कश्यप से तुम्हारी मुंह नहीं करते। कश्यप मैं तकदीर पर यकीन नहीं करता। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, मैं और तुम मिलके अपनी किस्मत बनाएंगे। कश्यप तुम किसी के भी दबाव में आके कोई फैसला नहीं करोगी, प्लीज। सब कुछ हो चुका है सर, और मैं सरेंडर भी कर चुकी हूँ। कश्यप तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ऐसे कैसे सरेंडर कर सकती हो? प्लीज ऐसा बस कर दो, हमारे दरमियान जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है। कश्यप मोहब्बत करने का फैसला हम दोनों ने मिलके किया था, तुम यूं अकेले अलहदा होने का फैसला कैसे कर सकती हो? फैसला? मैं क्या फैसला करूंगी, मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं। आज के बाद तुम मुझे कभी फोन नहीं करोगे, कभी कोई रब्ता नहीं करोगे। हम दोनों अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। बाज नहीं होगी ना अपनी हरकतों से? हेलो। हाँ बोलो। उस दिल कहीं के मंगनी हो रही है इसकी, अगले हफ्ते शादी है, रुसत होके जा रही है ये। इतनी हिम्मत है ना तो घर आके इसका हाथ मांगो।
अंकल इजाजत हो तो बिस्मिल्लाह करें। अरे हाँ हाँ बेटा, अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह करो, अल्लाह तो लोगों के नसीब अच्छे करे। नवीद भाई अभी से बता दूं आपको, बहुत कीमती तोहफा लूंगी आपसे। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने हाजिर है, दिलो जान से जो चाहिए वो ले लेना। नहीं नहीं, आप अपना दिल अपनी बेगम के लिए संभाल के रखें, और आपकी जान आपको मुबारक हो। मेरी नजर तो एक खास सेट पे है। फाजिया ये तो बड़ी मामूली सी चीज है, अगर तुम कुछ और भी बोलती तो शायद हो जाता, लेकिन तुम देख लो बता देना। ये वही सेट है, ये वही डायमंड का सेट। थैंक यू सो मच नवीद भाई। अरे बातें हो गई हो तो हम रस्म की तरफ आगे बढ़े। हाँ रिंग पहनाया आप नवीद भाई। शर्मा रही है लगता है, हाथ आगे करो कश्यप। शर्मा रही है। ये क्या है? चोट लगी है। मैंने शाम में देखा था, कोई चोट नहीं थी, सब ठीक था। ये भाभी वो कह रही है ना कि चोट लगी इसीलिए बैंडेज लगाया, बिलावजह झूठ थोड़ी बोलेगी। इस वक्त में इसकी इतनी हिमायत करने की कोई जरूरत तो है नहीं, हम सब जानते हैं ना कि कैसी है। लाओ मैं देख लेती हूँ उसे। नहीं नहीं मुझे दिखाओ 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 देखो मैं भाभी वो दिखाओ। हाँ ये है जख्म। अरे बच्चों तुम लोग क्या आपस में बातें करने लग गए, रस्म क्यों नहीं हो रही? नवीद भाई प्लीज रिंग पहनाए इसे। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। कश्यप मुट्ठी पहना प्लीज, शर्माओ नहीं। मुबारक हो मुबारक हो। मिठाई खिलाओ सबको। कश्यप ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे घर वाले एकदम से तुम्हारी एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं? मेरे बस में नहीं था असल, और मैं तुम्हें बता चुकी थी। कश्यप मैंने सिर्फ एक दो दिन की मोहलत मांगी थी कि अम्मी वापस आ जाएं तो मैं अम्मी को तुम्हारे पास ले आऊंगा। क्या सिर्फ तुम ही मजबूर हो सकते हो असल? तुम तो मर्द हो, जब तुम मजबूर हो सकते हो तो तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं आ जाता हूँ मिलने तुम्हारे घर वालों से। कश्यप For God's sake, ऐसे जो नहीं हो सकता उसे बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी मर्जी भी शामिल है इस एंगेजमेंट में, हाँ ऐसा ही है ना? ऐसा ठीक कहा तुम, मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। और मुझ जैसी लड़की जिसे घर में खुलकर आंसू बहाने की भी इजाजत ना, उसे तो आजादी की यह सजा मिलनी चाहिए थी। कश्यप प्लीज प्लीज फोन मत बंद करना, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब समझूं मैं तुम्हारी झूठी तसल्लियों का? कश्यप कश्यप प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे, कश्यप मुझे गलत मत समझो, मैं पीछे नहीं हट रहा। अब आगे बढ़ने का भी कोई फायदा नहीं, और बेहतर यही है कि अब इस सारे मामले को यही खत्म कर दिया जाए। कश्यप सिर्फ एंगेजमेंट हो यह तुम्हारी, और मंगनी कोई पत्थर की लकीर नहीं होती जो मिट ना सके। लेकिन हमारी फैमिली में यही पत्थर पे लकीर होती है। मुझे और ख्वाब मत दिखाओ ऐसे, मैं पिछले ख्वाबों का तावान चुका रही हूँ। कश्यप मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। कश्यप तुम अम्मी मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हैं। कल अम्मी आएंगी मैं उन्हें तुम्हारी तरफ भेज दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, वो तुम्हारे घर वालों को कन्विंस कर लेंगी। कश्यप प्लीज तुमने हिम्मत नहीं हारनी प्लीज। कोई आ रहा है। अरे आप मेरे कमरे में? जहनसीब जहनसीब हटो आगे से।
अब तुम नवीद की हो चुकी हो कश्यप, मेरे अलावा तुम्हें कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। समझ क्या रखा है तुमने मुझे, जरखरीद गुलाम हूँ मैं तुम्हारी। हाँ तुम जरखरीद गुलाम हो मेरी, कोई मुफ्त में नहीं लिया तुम्हें, तुम्हारे बाबा आपने ठीक ठाक पैसों की डील की है मुझसे, समझी। आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे ऐसे बात करते हुए। शर्म क्यों आनी चाहिए मुझे तुमसे बात करते हुए? हाँ एक डील के जरिए मैं तुम्हें हासिल कर रहा हूँ, और वैसे भी अगर मैं चाहूँ तो दो बोल बोलने के बाद तुम्हें बीवी बनाने के बाद तुम्हारे साथ जो दिल चाहे कर सकता हूँ, समझी। तुम मुझे करोड़ों में भी खरीद लोगे ना, तो भी ना मैं ना मेरा दिल कभी तुम्हारा हो सकेगा। मेरे जज्बात और मेरा दिल तुम कभी नहीं खरीद सकते, कभी नहीं। तुम्हारे दिल मोहब्बत जज्बात की कीमत लगाना शुरू करूं? ये अंगूठी मेरी है ना, मेरी पहनी हुई है ना, खरीदूं? बोली शुरू करूं। दिल कभी बिकाऊ नहीं हुआ करते, तुम्हारे पास बहुत दौलत है जिससे तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन मोहब्बत वो तुम कभी नहीं कर सकते। मम्मी, अम्मी, आप ठीक तो हैं? आप कहाँ पे थी? फोन भी बंद जा रहा था। Hi, I'm Aruj. जब दुबई एयरपोर्ट पे अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, मैंने अपना सेल जब ही बंद कर दिया था। वो तो अरूज मेरे साथ थी, उसी ने एम्बुलेंस को बुलवाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। आप मुझे फोन कर देती अम्मी, मैं आपके पास दुबई आ जाता। मेरे बेटे, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं दे सकती, और वो भी मेरी वजह से। और मेरी और महवेश की जो हालत हुई आपकी बीमारी का सुन के, अम्मी आपका फोन भी ऑफ था, आपको अंदाजा है हमारी क्या हालत हुई? मुझे पता है मेरा एहसन मेरे लिए बहुत केयर करता है। केयर बहुत छोटा लफ्ज है अम्मी। मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी किस्मत का फैसला हो चुका है। तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारी खुशी और मर्जी के बगैर नहीं हो सकता कश्यप। ये फजूल बातें बंद करो ऐसे, अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है कश्यप, सब कुछ हो सकता है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो कश्यप। प्लीज ऐसे ना बस कर दो, हम अब आखिरी बात बात कर रहे। कश्यप प्लीज, आज के बाद अगर तुमने ऐसी बात भी की ना, तो अगर तुम्हारी फैमिली और मेरे घर वाले नहीं भी मानेंगे, फिर भी मैं कोई परवाह नहीं करूंगा, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे कश्यप। कोर्ट मैरिज? हाँ कोर्ट मैरिज कर लेंगे कश्यप, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। ऐसे तुम्हें पता भी है ना, तुम क्यों नहीं समझ रहे? अब हेलो, बोलो बेशरम, बात करो बेगैरत, बोलो, मैं बताता हूँ तुम्हें कोर्ट मैरिज क्या होती है, बात करो। नहीं वो ये अबू, तुमसे तो यही उम्मीद थी मुझे, तुम एक दिन यही गुल खिलाओगी। तुम्हारी पैदाइश पे शक का जो सांप मेरे दिल में पैदा हुआ था, आज उसी ने डस लिया है मुझे। अबू ये, अबू मत कहो मुझे अबू, तुमने धोखा दिया है मुझे, मेरे एतमाद का खून किया है। क्या हो गया जी कश्यप, क्या हो गया बेटा? हाँ तुम्हारा इंतकाम आज पूरा हो गया इश्मत बेगम, तुम्हारे दिल में नफरत की जो आग थी आज वो सामने आ गई है। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली और मैं बर्बाद हो गया। इतना शोर क्यों है? क्या 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 किया इसने फिर से? ये इसके साथ मिलके मुझे बर्बाद करने का प्रोग्राम बना रही है, कोर्ट मैरिज के प्रोग्राम बन रहे हैं।
ये लो तुम्हारी अमानत। मैंने तुम्हारी जगह अपने आप को रख के ये महसूस किया कि तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल मेरे दिल के करीब है। सारी जिंदगी इस घर के जहानों में तुमने घुटी हुई जिंदगी गुजारी है। अब अगर तुम्हें बेहतर अच्छी नई मोहब्बत वाली जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है तो तुम्हें जी लेना चाहिए। प्लीज भाभी, ये आप किस तरह की बातें कर रही मेरे साथ? देखो तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना? मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती हूँ, तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ, इनसे तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ। नहीं भाभी, वैसे तो नवीद भाई में ऐसी कोई खामी है नहीं, सिवाय इसके कि इनम भाभी से पहले भी ना एक बीवी को छोड़ चुके हैं। नई चीज से जल्दी दिल भर जाता है ना उनका, और औरत भी उनके लिए चीज से ज्यादा अहमियत ही रखती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास बेहतर ऑप्शन है तो तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए। भाभी प्लीज, ये आप किस किस्म की बातें कर रही है मेरे साथ? अच्छी जिंदगी जीने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी तो किसी को यहां तुम्हारी फिक्र नहीं है तो तुम उनके लिए क्यों परेशान होती है? खैर अब बाकी तुम्हारी मर्जी। सोचने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? जरा सोचो, अगर एसन के भी 70% शेयर्स हमारे हों तो। मॉम, मेरी जान, सब कुछ हमारा ही होना चाहिए था। तुम्हारे पापा ने 70% एसन के नाम कर मेरी इंसल्ट की, मुझे डिसअपॉइंट किया है। मेरी मोहब्बत, मेरी एफर्ट्स, सबकी तौहीन की है। मैंने जो कुछ उनके और उनके बेटे के लिए किया, क्या वो सब भूल गए थे? मामूजान, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? प्लीज हुक्म कीजिए, मैं सुन रहा हूं, बताएं। ऐसी होती है सादत बंद औलाद इस्मत। अल्लाह ऐसे फर्मा बरदार बच्चे सबको नसीब करे। नवीद बेटा, पता नहीं क्यों रात मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास वक्त अब कम, इसी मजबूरी में मैं वो बात तुमसे करने जा रहा हूं जो मुझे अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं। अंकल, आपको जो कहना है बिला झिझक कहें, मैं सुन रहा हूं। नवीद बेटा, मैं चाह रहा हूं कि आज शाम ही कशफ का निकाह हो जाए। सुनो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मैं हिना हूँ, आप कश्यप बीबी की शादी में शामिल होने आई हैं?
हाँ नहीं मेरे मतलब किस टाइम पे शादी, आई मीन किस दिन है शादी? बस अभी कुछ देर बाद। आप शायद थोड़ा जल्दी आ गई हैं। ऐसा करें कि आप अंदर चले जाएं, बेगम साहिबा तो घर में मौजूद हैं। हाँ शायद मैं जल्दी आ गई हूँ, दोबारा आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। कि आप क्या कह रही हैं? मैं ये नहीं मान सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी बेटा मेरे लिए भी ये सब बहुत नाकाबिले यकीन था। सच पूछो, जब मैं वहां गई और जब सुना कि उस घर में शादी हो रही है तो मैं तो शॉक खड़ी रह गई। इमेजिन मैं जिस लड़की के लिए रिश्ता लेकर गई थी उसी की शादी हो रही है, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन था। तो आप किसी से मिली नहीं, आपने किसी से बात नहीं की? बेटा कोई वहां था ही नहीं, किससे मैं बात करती, सब घर वाले तो होटल जा चुके थे। वो मुलाजिमों ने मुझे बताया कि निकाह हो चुका है। निकाह हो गया? जी मैम, आप अपना फोन देखें, शायद आपके घर से ना आए। जी हेलो। हेलो कश्यप, अब क्या चाहते हो तुम? कश्यप तुम्हारा निकाह तो नहीं हुआ ना? तो तुम्हें मेरे जनाजे में शिरकत के लिए आना था, इसीलिए पूछ रहे हो ना तुम? कश्यप खुदा के लिए बताओ तुम कहो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आखिरी बार, प्लीज। मत बेवकूफ बनाओ मुझे, और कितना मेरे जज्बात से खेलोगे तुम? कश्यप तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम, बताओ तुम कहो, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। नहीं मिलोगे तुम अपनी जान दे दूंगा, गाड़ी मार दूंगा कहीं। मुझे बताओ तुम इससे मिल रही हो कि नहीं? वो ऐसा ही जज्बाती है, कहीं अपनी जान ही ना ले ले। अभी घर वालों के आने में एक घंटा है, इस दौरान मैं एहसन से मिल सकती हूँ आखिरी बार। कश्यप चलो मेरे साथ। एहसन मेरे घर वाले आ रहे होंगे, तुम जाओ यहाँ से। मुझे पता था तुम्हारी मर्जी भी इसमें शामिल, इसी वजह से तुम एकदम से मान गई। एहसन एहसन मेरी बात सुनो, घर वाले आ रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं? कश्यप कहाँ चली गई? भाई उसे गाड़ी घर से लेने आई थी और वो चली गई। लेकिन उसको घर से पिक करने मैं आया हूँ। Well, I have no idea about it. She said मुझे घर से कोई लेने आया है और वो चली गई। मैं घर से पता करता। Yeah, please do that. कश्यप मैंने कभी भी नहीं चाहा ऐसा तुम्हारे बारे में जैसा तुम सोच रही हो। मुझे घर जाना है ऐसे। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे घर वाले कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ करो ऐसे। प्लीज मैं देखता हूँ। कुछ करो ऐसे। जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो ना। नहीं होड़ी गाड़ी स्टार्ट, तुम्हारे सामने ही है, कितनी दफा की है। ओह अल्लाह। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओ ऐसे। मुझे बहुत डर लग रहा है, जगह बहुत सुनसान है। कश्यप इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। तुम प्लीज गाड़ी में बैठो कश्यप, प्लीज। नहीं नहीं मैं अकेली नहीं बैठूंगी यहाँ, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। कश्यप तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा हुलिया ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ जाओ, हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे।
इससे ज्यादा जिसमें हम अब हैं। तुम प्लीज गाड़ी में बैठो कशर। तुमने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे ऐसा। मैं क्यों आ गई तुम्हारे साथ? शेफ, उस वक्त मैं बहुत जज्बाती हो गया था। कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मैं देखता हूँ। क्यों नहीं आया? कॉल करके गाड़ी मंगवा लेता। हेलो हेलो, हाँ मेविश, अम्मी आईसीयू में, लेकिन वो तो ठीक थी। मैं इस वक्त मुश्किल में, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैविश, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। भाईजान, यहाँ पे कोई मैकेनिक होगा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कोई मैकेनिक है तो हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर कर दो, नहीं चेक करो इसको, और मत चेक करो इसका, बिल्कुल पीछे बैठना, गोली मार दो पीछे। बहुत देर हो गई है, अभी तक कशप क्यों नहीं आई है? ऐसा कौन सा तैयार होना? कशप कहाँ है? कशप वह नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या कह रहे हो? होश में थो तुम, कहाँ है वो? नहीं जानता कहाँ है, वहां नहीं है, कहीं चली गई है वो। अरे कहाँ चली गई है, कैसे जा सकती है वो? चली गई है वो। सबकी इज्जत अपने कदमों तले रोंद कर चली गई है वो। सब तुम्हारी ढील का नतीजा है, तुम्हारी गंदी तरबियत और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं खुद गर्ज होता तो हॉस्पिटल में अपनी अम्मी के पास होता। क्योंकि तुम मजबूर हो गए यहां रुकने पर, कोई कन्वेंस तो नहीं मिले यहाँ पर, वरना तुम तो मुझे इस वीराने में अकेला छोड़कर कब के चले गए हो? मैं ऐसा नहीं हूँ कश्यप। तुम ऐसे ही हो, मैंने बिल्कुल ठीक पहचाना अब तुम्हें। पर अफसोस सिर्फ इस बात का कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं पहचाना। फोन पार्लर में ना रह गया तुम्हें भाई फोन दो मुझे अपना, मैं अभी अपने भाई को फोन करूंगी, उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी और फिर सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। फोन दो मुझे अपना। फोन नहीं मेरे पास, मैंने तुम्हें बताया वो छीन के ले। कशफ, तुम्हें इस चीज का एहसास है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ? मेरे पास फोन भी नहीं। छीन के ले गए हैं वो फोन, कितनी बार बताऊं तुम्हें कशफ? क्या देख रही है? मुझे सच सच ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना एहसन? क्या कहना चाह रही कशफ? समझ में आ रहा है ये सब तुमने मेरी शादी खत्म करने के लिए, मेरी जिंदगी बर्बाद करके, और उसके बाद तुम इसी घटिया प्लानिंग से मुझे हासिल करना चाहते थे ना एहसन? कशफ, ये तुम यही सच है ना? बोलो एहसन, तुम ना जाओगी इस वीराने में? मैं तुम्हारे साथ। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ मुझे, नफरत है मुझे तुम्हारे साथ से। कशफ, हाथ छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे।
अपनी मर्जी से किसी के साथ गाड़ी में बैठकर वो पार्लर से गई है। पार्लर वालियों ने बताया मुझे ये। अब बताएं आप। इमरान, कहाँ है कश्यप? कहाँ है कश्यप? नवीद भाई, आप बाहर जाएं, हम बस आते ही होंगे अभी। तुम चुप करो फौजिया, बीच में मत बोलना आप, समझी तुम? अरे भाई, कुछ पता चला किस क्षण गई हो मनुष्य पार? अच्छा 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 अच्छा, आप मैं समझा, ये ड्रामा हो रहा है यहाँ। मामू जान, मुझे धोखा देने से पहले कम से कम आप अपने सफेद बालों का ही लिहाज कर लेते। मेरे यकीन सारे यकीन खत्म हो चुके। आप लोगों ने मेरे पैसे लूटने के चक्कर में मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जान, नवीद भाई नहीं, कसम से, प्लीज नवीद भाई, कसम से, हमें नहीं पता ये सब। हमें, तुम चुप करो, बंद करो ये शादी के ड्रामे। अब मैं तुम सबको अच्छी तरह से मजा चखाता हूँ। क्या मामू जान, मेरा क्या? मेरे हिसाब से तो इसका जाना या ना जाना बराबर है। ऐसी बातें तो ना करें, आप ही की वजह से देर हुई है। अच्छा, तो बगैर तफ्तीश के तुम दोनों को जाने देता? वो तो तनख्वाह किस बात की लेते हैं। जी साहब, इंस्पेक्टर तारिक साहब आ गए। इंस्पेक्टर तारिक को अंदर भेजो। ये वकील साहब, इस घर के डॉक्यूमेंट है, इसकी कीमत उस रकम से कहीं ज्यादा है जो हमने नवीद से ली है। ठीक है, हम ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास 3 माह के लिए अमानतन रखेंगे। इस दौरान अगर आपने रकम का इंतजाम कर लिया तो हम ये डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देंगे, वरना तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर को कल 2-3 स्टेट एजेंट्स को दिखाइए, इसकी कीमत लगवाइए, ज्यादा या कम जैसे भी बिकता है बेच दीजिए, क्योंकि मुझे मजीद इस घर में नहीं रहना। अब्बू, अब्बू मुझे माफ कर दे अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया अब्बू, यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अभी तेरे कुछ करने में कसर बाकी है? अभी हमारे साथ कुछ होना बाकी है? अभी तेरे दिल में ठंडी पड़ी, रोज गुजार किया गई बाहर पुलिस थाने में और कह रही मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के वास्ते, तुम्हारे इसकी पूरी बात तो सुन ले आप। चल जाओ, चली जाओ यहाँ से बेशरम औरत। भाई मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया, आप तो मेरी बात सुन। मैं बताते हैं तुझे क्या किया। भाई, इतने साल मैंने इसके चिड़ी तुझ जैसी बेटी को सुंदर के, काश लम्हे हिम्मत पैदा कर देता तो मार डालता तुझ जैसी औलाद को। छोड़ो इसे, खुदा के लिए छोड़ दे इसे, रहम कर इस पर। नहीं अब्बू, मार दे से, जान से मार दे, इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इसकी वजह से हमारी इज्जत, नेक नामी सब व्यक्ति में मिल गया है। इसके बाद क्या होगा कभी सोचा है आपने? तुम अभी भी इमरान इसकी साइड लोगे? हमारा नहीं कर रहा, इसकी इस लायक ही नहीं इसकी हिमायत की जाए। फिर तुम बीच में क्यों आ रहे हो? खुद सोचें, इसको मार डालने से इसकी तो जान छूट जाएगी मुसीबतों से, लेकिन हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इमरान तुम जाओ यहाँ से, यार हमें करने से जंग कर रहे। आमिर भाई खुद सोचें आप, इसके कत्ल के चक्कर में हम सब जेल जाएंगे। कत्ल छुपाना कोई आसान काम नहीं है। जो बची कुछ इज्जत रहेगी वो भी चली जाएगी, फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? तो क्या करें इमरान, इसको जिंदा छोड़ दें ताकि ये दोबारा हमारी नाक कटवाए? अबू,
इसे ऐसी सजा दें कि ये जिंदा रहे और मौत की आरजू करे, लेकिन मौत ना मिले इसे। इमरान, ये पी लो, यू फील बेटर। इमरान, कश्यप का कुछ पता चला? तो तुम लोगों ने पुलिस की हेल्प लेनी थी ना? हो सकता है उसके साथ कोई मिसहैप हो गया हो, या उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है। पैसा भी गया, घर भी गया, कारोबार भी गया, हाय हाय, और इज्जत भी गई। ना ही तो हमें नवीद भाई को नुकसान भरना पड़ता, और ना ही इस गंदे से छोटे से घर पे वो अच्छा भला घर छोड़ के आना पड़ता। ये सब तुम्हारी बेगैरती की वजह से। भाभी, क्या मुझे माफी नहीं मिल सकती? शुक्र करो तुम्हें वापस यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल गई है। बहुत बड़ी नेमत है ये भी तुम्हारे लिए। अगर संदिल भाई होता ना, हशर करता ना तुम्हारी की याद रखती तुम। आप लोगों की इज्जत पे कभी बात है, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती भाभी। अच्छा, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में ना मैं नहीं आने वाली, समझी तुम? अच्छा सुनो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, और प्लीज प्लीज खुदा के लिए यहाँ पे किसी को ये मत बताना कि तुम्हारी असलियत क्या है। यहाँ पे तुम्हारी शनाख्त एक मुलाजमा की है। थोड़ी देर बाद नई मासी आने वाली है, उसके साथ मिलके इस गंदे से घर की ना अच्छी सी सफाई करना है तुम्हें। और सुनो, उसके बाद हम सब ने ना पार्लर जाना है बारात के लिए, मुझे तैयार होना है। रुख्सती के बाद ही वापस आएंगे, ठीक है? तब तक तुम ये सब साफ कर लेना। भाभी, भाभी, यहाँ पे सब लोग सिर्फ आपकी बात मानते, सिर्फ एक बार मुझे माफी दिलवा दो। आप कहेंगे तो सब मान जाएंगे भाभी, सिर्फ एक बार। मेरा दिमाग खराब है? तुम जैसी आवारा लड़की के लिए मैं सबसे माफिया मांग देती हूँ? हाँ, और सुनो, अपने उस यार से वापस मिलने की कोशिश मत करना। बाहर हमने गार्ड बिठाया है, टांगे तोड़ देगा तुम्हारे घर बाहर निकलने की कोशिश की तुमने। भाभी, मैं घर से क्यों भागूंगी? वो तो मैं घर खो जाए। तो भूली गई तुम्हारे याद है तो तुम्हें वापस लात मार के यहाँ भेज दिया हमारे पास। तो तुम्हें मुंह ही नहीं लगाएगा, तुम भागोगी कैसे? ऐसा करो बस, हमारे आने तक सब सफाइयां कर लो, और मेरे बेडरूम की खास कर, बुक तो होगी। सोचा नहीं था किस्मत ये रंग दिखाएगी। नहीं, दिल तोड़ने की शायद कोई माफी हो, लेकिन तुमने मेरा एतमाद तोड़ा, उसकी तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। ये बताना था सारे वादों के रंग भी के ही पड़ जाएंगे। साल में चक्कर लगाना तो जरा मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोग मिलने आए तो हमें बहुत खुशी होगी। जाहिर है समरा और इमरान तो आ ही रहे हैं। फौजिया, तुम भी वेकेशंस पे आ जाओ ना, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, जरूर जरूर आएंगे हम लोग भी। एक्सक्यूज मी, भाई की कॉल आ रही है। सुनो, एक ग्लास पानी पिलाओ मुझे जरा। जी भाई, शुक्र है अल्लाह का, समरा बिल्कुल ठीक है तबीयत उसकी। सुनो, पानी पिलाओ मुझे।
ऐसी भी क्या पर्देदारी हो रही है कि तुम्हें सामने आते हुए तकलीफ हो रही है? तुम कशफ हो ना? हाँ, तो ये है आपकी बेटी, ये तो घर से भाग गई थी ना, जिसकी वजह से आप लोगों ने घर बदला, इलाका बदला। आप तो कह रही थी कि ये मर गई हमारे लिए। शाजिया, ये क्या, ये सारी दुनिया से छुपाकर इस बदनामी के दाग को अपने सीने से लगा के रखा हुआ है, ये है आपका खानदान? ओह माय गॉड इमरान, ये सब कैसे हो गया? आपने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया। ओह आई सी, तो इसलिए आप मुझे शादी की रात घर की बजाय होटल ले गए थे। बेटा, ये सब प्री प्लान था इन लोगों का, सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये हम बात को बिलावजह बढ़ा रहे हैं। आप नहीं जानती हम किस दुख और मुश्किलात से गुजरे थे, कोई अंदाजा नहीं है आपको। देखिए, आप खुद भी बेटी वाली हैं, खुदा के लिए हम पर रहम कीजिए, हम पहले ही बहुत अजियत में। समरा, ये तुमने किस किस्म के लोगों का इंतखाब किया? खानदानी लोगों में तो ऐसा नहीं होता। पापा, इससे आगे आप लोगों के पास कहने को कुछ है? इससे आगे प्लीज, इससे आगे कुछ नहीं बोलिएगा। समरा, तुम अभी हमारे साथ लंदन चल रही हो, हम तुम्हें इन लोगों के पास नहीं छोड़ सकते। चलो मम्मा, मेरी बात चलो। समरा, मम्मा चलो। शाजिया नहीं, शाजिया प्लीज ऐसा नहीं करो। शाजिया समरा प्लीज, शाजिया मेरी बात तो सुनो। लोग रोज मेरी लाश को दफन करेंगे, रोज निकाल के टांग देंगे और रोज दफना देंगे। मर दूंगा ऐसे। नहीं नहीं, खुदा के लिए। ये वो है जिसकी वजह से लोग मुझे दुनिया का सबसे बेगैरत बाप होने की गाली देते हैं। तो बचकी से मेरे हाथ से आज मार डालूंगा, मार डालूंगा इसे। छोड़ दे इसे। हाँ तो मार डालेना फिर, मार डालेना। हाथ छोड़ती हूँ आपके आगे, मुझे भी ये जिल्लत भरी मौत नहीं सहनी। मुझे मार डाले अबू, मार डाले मुझे। मैं समझूंगा ये पैदा ही नहीं हुई थी या पैदा होते ही मर गई थी। इसकी जिंदगी हमारी मौत है, हमारी इज्जत की मौत है। छोड़ दे इसको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, खुदा के लिए छोड़ दीजिए इसको। अरे मर जाएगी, इसका दम घुट जाएगा। आमिर, इमरान, जल्दी से मेरी बच्ची को बचा लो। अरे बाबूजान, उसे छोड़ दे, मर जाएगी। बाबूजान छोड़ दे, छोड़ दे, मर जाएगी। छोड़ दे आप। थैंक्स फॉर कमिंग, आ जाओ। क्यों बुलाया? अंदर तो आओ, मुझे कुछ बात करनी है। दरवाजा क्यों लॉक कर रही? आंटी जी, आंटी जी मुझे बचाए। पागल हो गई हो तुम? आंटी जी हेल्प मी। क्या कर रही हो, पागल हो तुम? मुझसे मेरे करीब मत आना। आंटी जी हेल्प मी। आंटी जी, शादी नहीं कर सकता मैं उससे। ठीक है, तो फिर कल उरूज ये घर छोड़ के चली जाएगी और मैं भी महविश को लेकर
ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकोगी, क्योंकि मैं एक लड़की की इज्जत की खातिर सब कुछ कर सकती हूं। तो खुदा की मर्जी है कि मैं अभी जिंदा रहूं। आज तक मैं अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करती रही और उसका नतीजा ये है। अब मैं उसकी मर्जी के मुताबिक जीऊंगी जिसने मुझे मेरी पैदाइश से लेकर अब तक जिंदा रखा हुआ है। मेरे 5 लाख रुपए हैं तुम्हारे रात वाले ड्रामे की कीमत, और दोबारा मुझे इस घर में शक्ल मत दिखाना। यू अंडरस्टैंड? अगर मैं इनकार करूं तो? तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा ना उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। सुबह से किचन में घुसी हुई हूँ, अभी तक खाना नहीं बना सकी। नहीं भाभी, सब तैयार है, मैं बस अभी टेबल पे लगा देती हूँ। दुपट्टा तो तुमने ऐसे ओढ़ रखा है जैसे बड़ी कोई नेक परवीन हो तुम। कोई तुम्हें देख के वैसे ये नहीं कह सकता कि क्या क्या गुल खिलाया तुमने। ड्रामा अब क्या चाहती हो? आपने बहुत कम कीमत लगाई है हसन साहब मेरी। क्या मतलब? 20 लाख, और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। अगर अरेंज कर सकते हो तो कर लो, वरना ये भी अपने पास रखो। पूरे 20 लाख हैं, गिन सकती हो तो गिन लो। बीस लाख रुपए तुम्हारी कीमत। सही कहा आपने, मेरी कीमत। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, वरना मेरे चोरी हो जाने वाले 20 लाख का बैग जब तुमसे बरामद होगा ना, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। यू गेट इट? इसकी नौबत नहीं आएगी, और वैसे भी ये मुझ पर एक कर्ज है जिसे मैं एक दिन लौटाऊंगी जरूर। 20 लाख तुम लौटाओगी? व्हाट अ जोक। एहसन साहब, वक्त कभी किसी एक का नहीं रहता, और ये कभी एक जैसा भी नहीं रहता।
मैं चलती हूँ। सुनो, इस काम के लिए तुम्हें किसने हायर किया था? अब इस बात का क्या फायदा, वैसे भी आप मुझे डबल पे करके ये डील ही कैंसिल कर चुके हैं। जाने दें, खुदा हाफिज़। तुम्हारी तरफ यार था, कुछ पता चला कशफ का? हाँ, चल गया पता। थैंक गॉड। फरवा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। नंबर लाइए उसका। एहसान, कशफ की डेथ हो गई है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, उसकी भाभी ने मुझे खुद बताया है, कशफ मर चुकी है। चाहत तुम्हारी जब्त मेरा आजमाएगी, बताना था सारे वादों के रंग भी के ही पड़ जाएंगे। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। ओहो, अब क्या हो गया? एहसान साहब अपने कमरे में बेहोश होगा। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? एहसान, ऐसे मॉम मौका अच्छा है। क्या मतलब? आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे भाई का थंब इम्प्रेशन ले लें, फिर सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। कुछ गलत कहा मैंने? यू इडियट, अगर वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर भी देता है तो फिर भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर लेटर काफी नहीं होता, हल्फिया स्टेटमेंट भी होनी होती है, जिसके लिए इसका होश में आना बहुत जरूरी है। फिर तो इम्पॉसिबल है जैसा आप चाहती हैं वैसा हो, क्योंकि होश में आने के बाद तो भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इतने साल इतने सब्र से मैंने यूं ही इंतजार नहीं किया। तुम देखना, जो मैं चाहती हूं वैसा ही होगा। एहसान खुद अपने हाथों से अपने होशो हवास में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम जरूर करेगा। ऐ मेरे पैदा करने वाले पाक परवरदिगार, जिस तरह तूने मुझे और मेरे दिल को सुकून दिया, उसी तरह तू मेरे अम्मी मेरे अब्बू को भी सुकून अता कर दे। ऐ अल्लाह, तुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। मेरे नसीब की तमाम खुशियां तू मेरे अब्बू को अता कर दे। मेरे अब्बू को जो भी चाहिए, खुशी, दौलत, सुकून, इज्जत, अल्लाह तू मेरे अब्बू को सब कुछ दे दे, और मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे अब्बू की मुस्कुराहट के, सिर्फ एक मुस्कुराहट। अल्लाह मेरे अब्बू को खुशियां दे दे, मेरे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरे सारे घर वालों को सुकून दे दे। अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा मेरे अल्लाह। आमिर और फौजिया के रवैये ने तुम्हारे अब्बू को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। जिस तरह से खामोश और बिल्कुल चुपचाप हो गए, मुझे डर है ना कुछ हो ना जाए। कल रात से उनको बहला रही हूँ, बहाने बहाने से इधर उधर की बातें कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं देते किसी बात का। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? जी अम्मी। मैं तो खुशी हो रही होगी कि ऐसे बाप के साथ ऐसे ही होना चाहिए। कशफ, तुम कैसे मर सकती हो?
हमने एक साथ जीने का दावा किया था, एक साथ जीने का वादा किया था, तुम अकेले कैसे मर सकती हो? साहब जी दूध पी लें। नहीं चाहिए। आपकी दवा का टाइम हो गया। मैं कहना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा ने कहा है आपको दवा खिलाएं। कहना नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से, छोड़ दो मुझे अकेला। जूस भाभी। उफ, कितनी दफा कहा है तुम्हें जूस में आइस क्यूब्स और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के ले आया करो। इतनी बदमजा फीकी और गरम। उफ, तुम जानबूझ के ये सब करती हो ना मेरे साथ। तुम चाहती हो जिस तरह से तुम्हारी उजड़ी हुई जिंदगी ना हम सब की ही वैसी हो जाए। क्या हो गया तुमको कश्यप? जैसे फौजिया कहती है जिस तरह से करने को, क्यों नहीं करती हो तुम? क्या हो गया? इतनी ढील क्यों हो तुम? और कितनी ठोकरें खाओगी समझदार बनने के लिए? जाओ जाके भाभी के लिए दूसरा जूस बना के लेके आओ। चलो हाथ जोड़ के माफी मांगो फौजिया से। रहने दे मामू जान, सारा कसूर ही मेरा है। मैंने कभी इसको किसी काम का कहा ही नहीं है। घर की लाडली बेटी है, जिठाई से जो कह सकती है क्या? सुना नहीं तुमने? माफी मांगो फौजिया से। माफ कर दे मुझे भाभी, गलती मेरी ही है। माफ कर दे प्लीज। मामू जान मुझे कसम ले ले, मैंने कभी इसे किसी काम के लिए नहीं कहा। प्लीज आप इसे कह दें कि आइंदा कभी भी मेरा कोई भी काम ना करे। क्यों नहीं करेगी तुम्हारे काम? ये अगर काम नहीं करेगी तो इस घर में इसकी कोई जगह भी नहीं है। ऐसा मत कहें जी, इसने माफी मांग तो ली है ना। अभी तुम्हें सबक नहीं मिला इसकी बेजा तरफदारियां कर करके? इतनी मन्नतों और मुरादों के बाद मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। मामू जान कसम से अगर हमारे हालात अच्छे होते ना तो आमिर कब का मेरे लिए एक मुलाजमत ढूंढ लेते। मैं तो ये भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे इसका साया तक पड़े। भाभी आप फिक्र क्यों करती हैं? बच्चे माँ बाप जैसे ही होते हैं और आपका बच्चा आपके ही जैसा होगा। किसी का साया उस पर कुछ असर करने वाला नहीं। समरा, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों जैसे समझा है। तुमने हमेशा मेरा बुरा चाहा है, हमेशा मुझसे बुरा करती हो, बुरा बोलती हो मुझसे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिन लोगों का अच्छा सोचती हूँ ना वही मेरे दुश्मन निकलते हैं। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ। अगर एक बार घर से कदम बाहर निकाल ही लिया था तो वापस क्यों आई कश्यप? अभी प्लीज कश्यप मुझसे बात करो, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। मुझे ना तो किसी की मदद चाहिए और ना ही किसी की हमदर्दी। ये तो तुम खुद को अजियत दे रही हो। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी चीज की परवाह है। अच्छा ठीक है, बर्तन रखो यहाँ। भाभी रखो। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास उसका एड्रेस है? मर चुका है वो मेरे लिए और मैं उसके लिए। देखो यूं जिंदा रहते हुए कोई किसी के लिए नहीं मरता। खुद को धोखा दे रही हो तुम। धोखा तो उसने दिया था मुझे, बेवफा था वो। और भाभी प्लीज मुझसे अब उसकी कोई बात ना करें। अच्छा नहीं करती, बात तो सुना, इसको तो रखो ना, बार बार इसे उठा लेती हूँ। रखो इसे यहाँ पे, तो मेरे साथ चल। कहाँ? बाजार, मुझे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी। मैं बाजार जाऊंगी? नहीं तुम्हारी रूह जाएगी, जाहिर है तुमसे बात कर रही हूँ, तुम ही जाओगी ना? नहीं। मैंने इसमें तांजी से परमिशन ले ली है। वो फौजिया नहीं है, वो और आमिर भाई जो है वो चेकअप के लिए गए हैं डॉक्टर के पास, शाम से पहले नहीं आएंगे। अंकल और
इमरान जो है साइड पे गेम है, चलो ना मेरे साथ। नहीं नहीं भाभी मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं चलोगी तुम? मैंने एक दफा कह दिया चलोगी तुम मेरे साथ, बस चलो भाभी। आओ ना, चलो चलो। हर वक्त रोनी सूरत बना के रखती है। ख्वाब बसेरा क्या साथ है तेरा कशफ, जीते हैं तेरे सुन मरते हैं तुम्ही पे, क्या प्यार है तेरा कशफ। तुम जिंदा हो? मैंने तो सुना था कि तुम यही ना कि मैं मर चुकी हूँ। तुमने झूठ नहीं सुना था, यही सच है, मैं मर चुकी हूँ। सुना तुमने कश्यप? मर तो मैं भी गया था जब मैंने सुना था कि तुम कैसे मर सकते हो? तुम तो सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करना चाहते हो, जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। नफरत है मुझे तुम जैसे धोखेबाज और कमजोर इंसानों से, तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया, और अब अगर तुमने मुझे आवाज देने की कोशिश की या मेरा मेरे रास्ते में आए तो मैं लोगों को बुला लूंगी, समझे? दिल जैसे बसी में एक ख्वाब बसेरा क्या साथ है तेरा। जीते हैं तेरे संग मरते हैं तुझे पे, क्या प्यार है तेरा। ये जीवन कटे साथ तेरे, उम्र भर है पास तेरे, डूबे रहे तेरी यादों में गहरा, क्या प्यार है तेरा। ओ, दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब तेरा क्या साथ है तेरा। दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसेरा क्या साथ कशफ तेरा। जीते हैं तेरे सुन मरते हैं तुम्ही पे, क्या प्यार है तेरा। ये जीवन कटे साथ तेरे, उम्र भर रहे पास तेरे, डूबे रहे तेरी यादों में गहरा, क्या प्यार है तेरा। थैंक यू भाभी। बेटा हुआ है? अरे भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। बेटे का पैदा होना तो फख्र और गुरूर की बात है। मुझे तो यूं लग रहा है खबर सुन के जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे भाई, मैं बहुत खुश हूँ। और सुनो फौजिया ठीक है ना? हाँ कैसे नहीं, मैं फौरन अस्पताल पहुंचता हूँ, बस इमरान से कहता हूँ मुझे पहुंचा दे। हाँ बस अभी आया अभी। ओके खुदा हाफिज़। इमरान मुबारक हो बेटा।
तुम चचा बन गए हो। आमिर के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। भाई मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत मुबारक हो आपको अबू, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। ये बहुत से भी अच्छी खबर है भाई, कमाल की खबर है, मैं तो हैरान हूँ। वैसे अभी तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है वो, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। तुम वक्त जाया रख लो बातों में, मुझे फटाफट अस्पताल पहुंचा दो ताकि मैं अपने पोते को देख सकूं। जी जी अभी चलते हैं, मैंने वैसे भी समरा को पैक कर लिया। ठीक है अबू, बहुत मुबारक हो आपको। जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। जी आ रहा हूं। भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अपने नाकर्दा गुनाहों की का बोझ उठा थक चुकी हूं। भाई नाकर्दा गुनाह मतलब तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? भाई सिर्फ एक बार माफ कर दे मुझे। मेरी बेटी ने मुझे मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। इतनी बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में एक जमाने बाद आई है। अब इस खुशी में मेरी बेटी जो तोहफा मुझसे मांगेगी मैं दूंगा। नहीं नहीं, अब मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी और कीमती तोहफा आपकी खुशी है। कितने अरसे बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, हमें और क्या चाहिए? भाई तुम जो भी कहो, लेकिन ये मेरा वादा है कि मेरी बेटी जो मांगेगी मिलेगा। बिल्कुल अब्बा। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। मेरे सारे घर वाले इस वक्त खुशियां मना रहे हैं और मैं जिंदा होते हुए भी उनकी किसी खुशी में शामिल होने का हक नहीं रखती। क्यों आ गए हो? क्यों आ गए हो ऐसिन? तुम मेरी जिंदगी में दोबारा क्या बर्बाद करना चाहते हो? अब ऐसिन जाओ यहाँ से। तुम कश्यप, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। इसी खुदा का वास्ता तुमने मुझे पहले भी दिया था और फिर जिल्लत और रुसवाई की दलदल में धकेल दिया था। खुदा का वास्ता मैं देती हूँ, चले जाओ ऐसिन, दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी और मेरी जिंदगी में बर्बाद होने को कुछ नहीं बचा सिवाय इन सांसों के, जो अल्लाह करे मुझे जल्दी चिन दे। ऐसा चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो नहीं, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज कश्यप, कश्यप मेरी बात सुनो। कश्यप तो ठीक है, मैं भी सबको जाकर बता देती हूँ कि वो लड़का तुमसे मिलने आया था। वैसे भी इमरान ने उसे देखा हुआ है, देखते ही पहचान जाएगा। भाभी प्लीज, आप क्या क्या हाथ जोड़ रही हो, ऐसे नहीं करना। खुदा का वास्ता भाभी, ऐसे कुछ नहीं करें। ठीक है, उसका नाम बताओ। नाम तो अच्छा है, एड्रेस और फोन नंबर? मेरे पास कुछ नहीं है। तो अपने किसी दोस्त से तो लेके दे सकती हो ना कश्यप? प्लीज मेरे पास कुछ भी नहीं है, छोड़ दे मुझे। कश्यप, कश्यप तुम प्लीज मेरे बेटे को अभी गोद में ना उठाया करो।
पहले से ही क्या हमारी जिंदगी में मुसीबतें कम है तुम्हारी वजह से जो अपना मनहूस साया मेरे बेटे पे डाल रही हो? आ गए मामू जान। अरे शहरोज कब से आपको याद कर रहा था, कह रहा था मामू जान कमाएंगे, मुझे जो गिफ्ट प्रॉमिस किया है वो कब देंगे? अरे हाँ वही मिलेगा, मिलेगा सब कुछ मिलेगा, अपना भी शहजादा ये जो मांगेगा मिलेगा, जैसे कहेगा मिलेगा, कैसे हो सकता है भाई? बोलो बोलो बच्चा, बोलो बोलो बच्चा, बोलो बोलो। एकदम से चुप हो गए। मम्मी मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, मैं जीशान से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आपकी शर्त मानते हुए इस घर से खाली आ जा रही हूँ। काश आप जीशान को रिजेक्ट ना करती तो मुझे ये कदम ना उठाना पड़ता। बहरहाल अब ये दौलत जायदाद और सब कुछ आपको मुबारक हो। मैं विश। हसन, तुम्हारी मैं सारा दिन ऑफिस में वेट करती रही, तुम आए नहीं, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? जी जी ठीक हूँ मैं। मेरी तबीयत मुझे तो नहीं ठीक लग रही, कल सारी रात तुम सोए नहीं हो ना, और तुम्हारी बेडरूम की लाइट जल रही थी। बेटा ना जाने तुमने क्यों जरा सी बात को दिल का रोग बना लिया है। अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी मैं जर्मनी जा रही हूँ, कुछ जरूरी मीटिंग्स आ गई। कब जा रही हैं आप? आज 5 बजे मेरी फ्लाइट है और तुमने मुझे एयरपोर्ट लेके जाना है, तुमसे जरूरी बात भी करनी है। लेकिन लेकिन क्या कोई प्रॉब्लम है? सब खैरियत है ना ऐसा? एवरीथिंग इज फाइन। लग तो नहीं रहा। और ये महविश कहाँ है? जरूर कोई अपनी फ्रेंड की तरफ होंगी राइट? तुम्हारे हाथ में क्या है बताओ मुझे, एसन दो मुझे। मैं जानती हूँ कहाँ है। मम्मी मेरी बात सुने। फैक्ट्री मामू जान, मैं दरअसल आपसे माफी मांगना चाहती, मैंने आपसे आपके पोते के लिए बहुत महंगा तोहफा मांगा था जो आप उसे नहीं दे सकते। फौजिया तब तुम्हें ये बात कहने से पहले जरा सोचना चाहिए था, हमारे पास रही क्या गया फैक्ट्री के अलावा, सब कुछ तो सब कुछ क्या मेरे और मेरे बेटे की वजह से बर्बाद हुआ है? आज अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से, सब कुछ खा गई वो। अच्छा भला सब कुछ चल रहा था ना, ही उस रात को वो उस लड़के के साथ भागती, ना ही मेरे बेटे को अपने दादा के खाली हाथों की तरफ इतनी हसरत से देखना पड़ता। क्यों खालिया, मेरा जो कुछ है मेरे पोते का है और मुझे शहरों से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है, फैक्ट्री में उसके नाम कर रहा हूँ। आमिर कल वकील को बुलाओ, कागजात तैयार करवाओ और मैं फैक्ट्री उसके नाम करता हूँ, दस्तखत करता हूँ। भाई आप क्या कह रहे हैं? अब वो ये बिरयानी खाए, बिरयानी दो अबू को। महविश, महविश कहा तुम, बाहर निकलो। महविश, महविश तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैम आप शोर क्यों मचा रही हैं? महविश यहाँ पर नहीं। अभी महविश यहाँ पर नहीं, अपनी किसी फ्रेंड की तरफ होगी। बताओ कहाँ है महविश, बोलो। तुमने उसको किडनैप किया, तुमने उसके साथ क्या किया है, बोलो। मैम मैंने कहा ना महविश यहाँ नहीं है, और मैं उसे क्यों किडनैप करूंगा, मैं तो उसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी आंखों में झूठ नहीं झूठ सकते, इसका बैग यहाँ पड़ा है, तुम अभी भी मुकरोगे, झूठ बोलोगे? महविश का बैग है। पूछो एसेंस कहाँ है महविश, वो तो इतनी मासूम है, इसने अपनी मक्कार झूठी बातों में ना उसको फांस लिया। पूछो एसेंस से, शराफत से बताओ कहाँ है महविश, कहाँ छुपाया तुमने उसे?
एहसन, मैंने आपसे कहा ना कि महवेश यहाँ पर आई थी, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया। इंसान एहसन साहब नहीं बोलोगे तो एहसन बोलोगे, तुम्हारी औकात क्या है? आपकी बेटी इसी दो टके के इंसान के पास खुद चल के आई थी। तो फिर बताओ कहाँ है वो? जानना चाहते हैं आप? हमने शादी कर ली। शादी मुबारक। एसपी साहब से बात हुई है, 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, खुद उगलवा लेंगे कि कहां छुपाया इसने महवेश को। यू नो, मैं तो सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूं सासू, मतलब है मैम, कि बाहर पुलिस आएगी, लोग जमा होंगे, बातें आउट होगी, और फिर एएनएफ टेक्सटाइल कोई मामूली कंपनी तो नहीं है ना, मीडिया वाले आएंगे, बातें और बढ़ेंगी, और उसके बाद हेडलाइन बनेगी कि जीशान वेड्स महवेश। ब्लैकमेल करना चाह रहे हो मैं? हाँ, पुलिस तुमसे खुद उगलवा लेगी कहां छुपाया तुमने महवेश को, समझे तुम? चलो एक काम करता हूं, अब तो हमारी रिश्तेदारी हो गई है ना, तो बता देता हूं महवेश अपने घर पर है, लेकिन अगर पुलिस आई तो फिर मैं वो बैग दिखाऊंगा और फिर मैं बोलूंगा हमने शादी कर ली। ये ब्लैकमेल कर रहा है हमें एहसन, बकवास करता है ये। अरे घर फोन तो कर लें, यू नो क्या पता महवेश घर पे ही हो, अगर ना हुई तो फिर आप पुलिस क्या पूरी फौज की ब्रिगेड बुला लेना। हाँ साबरा, महवेश भी घर पर हैं। क्या कह रही है साबरा? चलो हमको अभी और इसी वक्त घर जाना, इसे अकेला छोड़ जाए, पुलिस भी आने वाली है। एहसन तुम अभी मेरे साथ घर चलो, इसके साथ हम बाद में निपटेंगे। कम ऑन लेट्स गो, चलो एहसन लेट्स गो, कम ऑन एहसन। बाय सासुमा। मुझे अपने टेंटम्स दिखाने की जरूरत नहीं है, तुमने जो आज हरकत की ना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं बात कर लेता। नहीं एहसन, तुम इससे बात नहीं करोगे, मैं करूंगी इससे बात। दो टके का लड़का, हर इंसान के तो आपने दाम मुकर्रर कर रखे हैं। आपकी नजर में तो इंसान के जज्बात और एहसासात की कोई पहचान नहीं, आपकी नजर में तो हर इंसान को पैसों के बदले में खरीदा और बेचा जा सकता है। महवेश, काश अब मेरी माँ ही ना होती, मैं किसी गरीब घर में पैदा हो जाती जहाँ कम से कम मेरी माँ को मेरे जज्बात और एहसासात की परवाह तो होती, और मॉम उस वक्त मैं खुद को दुनिया की सबसे अमीर लड़की समझती। महवेश तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें एहसास है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? आपने मेरे लिए सिर्फ वो किया है जो आप चाहती थी, आप पसंद करती थी, वो नहीं जो मैं चाहती हूँ, मुझे पसंद है। एहसन, एहसन तुम सुन रहे हो इसकी बातें? आप परेशान मत हो, अभी आपने ट्रेवल भी करना है अम्मी, आप इसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लें, मैं समझा लूंगा, परेशान मत हो। नहीं एहसन, मुझे कुछ नहीं करना, सब बेकार है, सब कुछ बेईमानी और बेमकसद है। जब मेरी औलाद को मेरी जरूरत नहीं तो फिर मैं क्यों पागल हो रही हूँ? जी हेलो, नहीं जवाब साहब मैं नहीं जा रही। जवाब साहब अम्मी एयरपोर्ट के लिए निकल रही हैं, आप बाकी की फाइल्स वहां पे ही भिजवा दें। शुरू हो गए फिर से ड्रामे। एक मिनट, दरवाजा बंद कर। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही? नहीं परेशान नहीं, मासूम ये रख लो तुम। ये क्या है अम्मी? तुम्हारे लिए बेटा। क्या है अम्मी इसमें? दिखाते हैं, ये मेरे कुछ जेवर हैं और थोड़ी सी रकम जो मैंने कई साल से बचा के रखी हुई तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए बेटा, इन्हें संभाल के रखना अपने पास। अम्मी मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, आप ये अपने पास रखिए। नहीं बेटा, मैं नहीं रख सकती ये अपने पास, तुमको पता है ना आमिर और फौजी ने जो चाल चली है उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। तुम्हारे पापा को समझा समझा के थक गई हूँ, उन्होंने अपनी फैक्ट्री उन लोगों के नाम करके
अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है और ये घर जो हमने एक साल के एडवांस रेंट पर लिया है वो भी नहीं रहेगा। अम्मी आप प्लीज ऐसा कुछ ना सोचें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, आप ऐसा कुछ ना सोचिए, ये अपने पास रखिए। हमें क्या होगा बेटा, लेकिन ये तुम अपने पास संभाल के रखो, वरना अगर फौजियों को पता चल गया ना तो ये भी हथिया लेगी वो किसी ना किसी बहाने से। नहीं आपके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है, और अगर फौजिया भाभी को ये चाहिए होगा तो जितना आसानी से वो आपसे निकलवा सकती उससे कहीं ज्यादा आसानी से वो मुझसे निकलवा लेगी। नहीं इसका कोई फायदा नहीं, आप अपने पास। नहीं बेटा मैं ये यहाँ अलमारी में रख रही हूँ, ये देखो इस कमरे में कोई भी नहीं आना, देखो मैंने ढक दिया अच्छी तरह से, और फौजिया तो कभी भटकती भी नहीं है यहाँ पर, तो बस बेटा तुम आते जाते इसको चेक करती है, ठीक है? तो मुझे घबराहट सी हो रही है। क्यों? नहीं घबराहट की जरूरत नहीं। हाँ हाँ मैंने पहचान लिया, आप माहीन की कजन है ना समरा? आई थिंक हम 5-6 माह पहले मिले। हाँ आई रिमेम्बर, हम उसकी बर्थडे पे मिले थे। अब तो सुना वो जर्मनी चली गई है ना, कैसी है अब वो? बिल्कुल ठीक है, अक्सर मेरी उससे स्काइप पे बात होती रहती है, उसके तो सेमेस्टर भी रहते हैं। हाँ मेरी भी कोई 1 महीना पहले ही बात हुई थी उससे। अच्छा व्हाई डोंट यू जॉइन अस, ये मेरे भाई है एसएन और एसएन भाई समरा। नाइस टू मीट यू समरा। मुझे भी आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली मैं आप लोगों को ज्वाइन जरूर करती हूँ, मेरे हस्बैंड साथ हैं। हाँ फिर मिलेंगे। श्योर श्योर। कशफ कशफ कहाँ है वो चाबियां जो मैंने तुम्हें दी थी? चाबियां? कौन सी चाबियां भाभी? क्या मतलब कौन सी चाबियां? दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा पूरी तरह से? जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने तुम्हें कुछ चाबियां दी थी ऊपर वाले पोर्शन की, और ये कहा था इन्हें संभाल के रखना, कोई शिफ्ट होगा ना ऊपर तो काम आएगी, कहाँ है वो? नहीं तो भाभी मुझे तो आपने ऐसी कोई चाबियां नहीं दी। तो क्या झूठ बोल रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ मैं फिर? नहीं भाभी अगर मुझे चाबियां दी होती तो मैं कैसे भूलती, मुझे कोई चाबियां नहीं दी। तुम्हें अपनी इश्क मशूकियों से फुर्सत मिलेगी ना तो तुम्हें कुछ याद रहेगा, ठीक है मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। नहीं भाभी इसमें नहीं होगा भाभी, वो इधर तो हो ही नहीं सकता। यही कहीं रखी होगी, तुम्हें तुम्हें याद नहीं रहता ना कुछ, पता नहीं किन ख्यालों में। ये क्या है? क्या है ये? मैंने तो कभी नहीं देखा वो। ये तुम्हारे यहाँ मामू जान, मामू जान एक्सक्यूज मी एसन, आप कशिफ को जानते हैं ना? कशिफ को कैसे जानती हैं आप? मेरा मैं कशिफ की भाभी हूँ, मुझे आपका नंबर चाहिए, प्लीज जल्दी दे दें मुझे जाना है, मैं आपकी कशिफ से बात करवाऊंगी। ठीक है थैंक यू, आपको कॉल करूंगी, मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा। दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा, जीते हैं तेरे सुन मरते हैं तुम्हीं पे, क्या प्यार है तेरा। देख रहे हैं ना ये जेवर, ये जेवर इस्मत आंटी का ही है ना? हाँ मैंने खुद। हाँ 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 मामू जान ये फिर से हमें जलील करने का रास्ता बना रही है, और ये फिर से घर से भागने का प्लान बना रही है। ये जेवर और पैसे अलग से साइड पे रखे हुए थे हमारे। कशफ अबू नहीं नहीं ये मैं देखा कितना झूठ बोल रही है, पकड़ी गई ना, जिस तरह इसकी जबान हकला रही है ना आज, वो भी इसका साथ नहीं दे रही, फिर से चुपके से ना हम पे वार करने वाली थी ये। कशफ बताओ कहां भागने का प्रोग्राम था तुम्हारा, ये रुपया पैसा लेके? अबू
कसम ले ले, मैं ऐसा कुछ नहीं करी थी, ये तो जी, ये पैसे और जेवर मैंने खुद इसको दिया था। तौबा। अच्छा, तो ये तुम्हारा प्लान था इसमत बेगम, ये रुपया पैसा देके इसको घर से निकालने का, ताकि एक बार फिर से ही हमारी इज्जत को रौंद डाले। नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने तो ये जेवर हाँ, आपने ये जेवर खुद ही निकाले थे, है ना? तौबा, अल्लाह माफ करे, मतलब अपनी बेटी का झूठ छुपाने के लिए आप ये सब कर रही हैं इस उम्र में? आप तो समझदार हैं आंटी, मतलब अपनी खावत की भी गुनहगार है, खुदा की भी, खुदा को कोई खौफ नहीं है आपको? ये औरत समझदार होती तो रोना ही किस बात का था। इसी की गलत तरबियत है जिसने इस बेशरम लड़की को खराब किया। मामूजान, मैं तो कहती हूँ आज इस किस्से को यही इसी वक्त खत्म कर दे, भेज दे इसे जिसके साथ जाना चाहती है ये। बताओ बताओ, कौन है वो बेहाया जिसके साथ तुम घर से भागना चाह रही थी? रात को फरार होने का प्रोग्राम था ना, मुझे बताओ कौन है, मैं तुम्हें उससे चलता कर देता हूं आज रात ही। बोलो क्या नाम है उस बेगैरत का? अगर ये सब आप लोगों का वहम हुआ तो, अगर ऐसे किसी शख्स का वजूद ही ना हो जिसके साथ आप कशफ को जोड़ रहे हैं और वो ना आए फिर? अगर कोई ना भी आया तो ये लड़की सुबह का सूरज इस घर में नहीं देखेगी। मैं इसे यहाँ रहने नहीं दूंगा। क्या करेंगे, मार डालेंगे ना, मार डालें, वैसे वो कौन सी जिंदा है? इस लड़की के साथ तुम्हारा वक्त भी इस घर में पूरा हो चुका है, जितना चीखना चिल्लाना है, रोना धोना है, कर लो, सुबह होने में 4 घंटे बाकी हैं। दुआ के लिए, इसमें अम्मी का क्या कसूर है? तुम्हें तो कशफ का भी कभी कसूर नजर नहीं आया, आज हम जो ये दोबारा वक्त देख रहे हैं ना, इसकी भी वजह तुम हो। आमिर भाई, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, तुम उससे बात करने के लायक हो भी नहीं, तुमने आज तक इस घर के लिए किया ही क्या है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपने इस फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है उसी का अजर मिल रहा है ना हमें। यही जलन है ना तुम दोनों मियां बीवी को, कि अब्बा ने फैक्ट्री मेरे बेटे के नाम क्यों कर दी है? आमिर भाई, ये आप क्या कह रहे, आपको कुछ अंदाजा है? साजिश तो आप लोगों ने की है, मुझे इसका हिस्सा क्यों बना रहे? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने और फौजिया ने साजिश की है? ये कैसी बात कर रही है तुम्हारी बीवी, तमीज नहीं है ऐसा बात करने की? कम से कम मेरी बीवी फौजिया भाभी जैसी नहीं है, इस घर में जो आग लगी है ना वो इस औरत की वजह से लगी है। इमरान, मैं तुम्हारा मुंह क्या कर रहा है? छोड़ो 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 एक दूसरे को, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों घर का तमाशा बना रहे हो? हेलो जी, जी एहसन बात कर रहा हूँ। हाँ जी समरा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, ठीक है। वालेकुम सर, मैं एहसन हूँ, मेरी बहन महविश। अरे एहसन भाई, आप लोग आ गए। अंकल ये एहसन है मेरे कजन, आपको बताया था ना? अच्छा ये एहसन। एहसन भाई आप लोगों का ही इंतजार हो रहा था, महविश कहाँ है? महविश गाड़ी में, महविश आओ, आप लोग आइए ना, मैं महविश को लेकर आती हूँ। आओ बेटा। अंकल अरे महविश अंदर आओ ना, एक्चुअली अंकल की तबीयत ठीक नहीं है तो अंदर चल के बैठते हैं, बाकी की डिटेल्स भी तय हो जाएंगे। समरा ये सब क्या है, एहसन भाई मुझे भी बगैर बताए साथ ले आए, कुछ बताया नहीं, क्या हो रहा है? तुम चलो ना मेरे साथ, मैं सब बताती हूँ, आओ।
बाबू वो सारे इंतजाम हो गए, मौलवी साहब भी आ गए, तीन चार लोग हैं, उनको मैंने ड्राइंग रूम में बैठा दिया। चलो इंतजाम हो गए हैं तो चल के बिस्मिल्लाह करते। सुनना बेटा, ख्याल ना करना, दरअसल पिछले चंद महीनों में जिन कठिन हालात से मैं गुजरा हूँ उन्हें शायद शक मेरी तबीयत में ही शामिल कर दिया। बस पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ, लेकिन तुम जो कर रही हो बेटा वो बिल्कुल ठीक कर रही हो, मुझे तुमसे इत्तेफाक है। आई चले, आई आई अबू आप चले, मैं आता हूँ। हाँ हाँ क्या तमाशा बनाया था, क्या लोगों की वकालत करती फेरी हो, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? कुछ ऐसा वैसा होने से पहले कश्यप इस घर से जा चुकी होगी। इमरान, एहसन से बेहतर कश्यप के लिए कोई नहीं है, तुम्हारी उस भाभी के फजूल से रिश्ते से तो बहुत बेहतर। चलो देर हो रही है। जुबैर वल जुबैर अहमद, आपका निकाह एहसन फारूक वल फारूक सिद्दीकी से किया जा रहा है, क्या आपने कबूल किया? मैं आज ही से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ, आज ही उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, ठीक है? आई प्रॉमिस कशा। अगर तुम्हारी फैमिली और मेरे घर वाले नहीं भी मानेंगे फिर भी मैं कोई परवाह नहीं करूंगा, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे कशा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत है, तभी तो मेरी जान बचाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया। कशफ तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। तुम्हारा इनकार और तुम्हारी से तुम्हारी आगे की जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और तुम्हारी ना की सूरत में अंकल आंटी को तलाक दे देंगे। प्लीज अंकल आंटी का इख्तियार करो, प्लीज। हाँ बोलो। कसब जुबैर वल जुबैर अहमद, आपका निकाह एहसन फारूक वल फारूक सिद्दीकी से किया जा रहा है, क्या आपने कबूल किया? प्लीज हमीद,
आप क्यों? तुमने क्या सोचा था कि मैं शायद वापस जिंदा ना हूं? मॉम, व्हाट अ सरप्राइज, यू आर बैक। वैसे आज सुबह से हम सब एक दूसरे को सरप्राइज ही दिए जा रहे हैं। कौन है लड़की ऐसी? मैं बताती हूँ, ये है कश्यप, हमारी प्यारी भाभी और एसन भाई की बीवी। और आपको पता है, इनकी शादी में वाहिद बाराती मैं ही थी। एंड यू नो व्हाट, शी इज द नेक्स्ट किंग ऑफ द हाउस। क्या कहते हैं उर्दू में, माल किन, एम आई राइट भाई? जस्ट स्टॉप इट महविश, मुझे एसन से बात करने दो। ये सब क्या है एसन? मैं आपको बताता हूँ, वो एक्चुअली बस कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे मेरे साथ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम ये सब कुछ कर सकते हो? जस्ट कांट बिलीव इट। मेरी बात तो सुने प्लीज। मुझे आप... हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगर तुम इतना बड़ा कदम मेरी इजाजत और मर्जी के बगैर उठा सकते हो, तो फिर आज से मेरा भी तुम्हारे साथ हर रिश्ता खत्म। अम्मी, 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 बेटा, तुमने जिस उसने खूबी से कशिफ का मसला निपटाया है, तुम्हारा शुक्रिया। अजय, आप यहां आराम से बैठ जाएं, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूं। सुनो जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ मत लाना। लेकिन एसन साहब ने तो कहा था आपको। जाकर अपने एसन साहब से कहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी मुझे यहां नहीं रहना। जी कुछ नहीं, आप जाएं। महविश, दूसरी चाबी लाओ। हाय, ये ट्राई करें। अम्मी, 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 आंखें खोले। अम्मी, हाय, अम्मी, आंखें खोले। मॉम, मॉम, हसन साहब आप रिलैक्स हो जाएं, खतरे की कोई बात नहीं, मैंने मुकम्मल चेकअप कर लिया है, सब कुछ नॉर्मल है। बेगम साहिबा सो रही हैं, उन्होंने शायद सुकून के लिए एक दो मेडिसिन ले ली है, वो बिल्कुल ठीक है। सच कह रहे हैं ना आप, सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? जब मेडिसिन का असर खत्म होगा तो वो खुद बहुत उठ जाएंगी। मुझे लगता है वो किसी डिप्रेशन का शिकार थी, इसलिए उन्होंने मेडिसिन ली जो उनके लिए बेहतर है। कब तक उठ जाएंगे, कुछ आइडिया? आई थिंक एक दो घंटे तक। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़। देखो एहसन वही लड़का है जिसे कश्यप पसंद करती थी, और शादी की रात उसके साथ भाग गई थी। अब अल्लाह जाने उन दोनों के बीच में उस रात क्या हुआ। बस उसे गिल्ट और शर्मिंदगी की वजह से एहसन हमारी कश्यप के साथ शादी करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि वो कश्यप से बहुत प्यार करता है। समरत, तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत परेशान करती है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो इमरान, कुछ दिन पहले मैं कश्यप को अपने साथ शॉपिंग पे लेके गई थी, वहां पे एहसन ने कश्यप को देख लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़का कौन है, वो तो
उसने हमारा घर तक पीछा किया। फिर मैंने कश्यप से पूछा कि ये लड़का वही है ना, तो कश्यप ने मुझे बताया उसका नाम। फिर मैंने अपने दोस्त के थ्रू उसे कॉल करवाई। उसके बाद मेरी उसकी बहन मैविस से बात हुई, यूं रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई अहसन का। तो ये है असल कहानी। ये सारा खेल तुम्हारा रचाया हुआ था। कश्यप के साथ मिलके जो बेगैरती का खेल तुमने खेला है ना, इस घर के मर्दों के लिए तो डूब मरने का मकाम है। मामू, इस्मत आंटी, मामू जान, भाभी, क्या बात है फौजी, क्यों चिल्ला रही हो? मामू जान, आप बड़ा थैंक यू करते थे ना इस समरा मैडम का, जानते भी हैं कि आपकी नाक के नीचे क्या खेल खेला इसने? भाभी, खुदा के वास्ते बस कर दे, क्या बोले जा रही हैं? मैं अब चुप नहीं रहूंगी। एहसन वही लड़का है जिसके साथ कश्यप भागी थी। जी हाँ, उस रात को जब कश्यप भागी थी और वो बीच रस्ते उसे छोड़ गया था और वो वापस हमारे पास आई थी और इन मोहतरमा ने उनके साथ मिलकर प्लानिंग करके हम सबको जलील किया है। और उस बेगैरत की हिम्मत तो देखे आप मामू जान, हमारे ही घर आकर फिर से उसको भगा कर ले गया। बस अबू, ये हमारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, इसने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज अपनी बीवी को लो और चले जाओ यहां से। जब भी इसकी शक्ल देखूंगा तो बेगैरती मुझे खुदकुशी करने पर उकसाएगी। अबू, मैंने कहा है अपनी बीवी को लो और शाम होने से पहले चले जाओ यहाँ से, और ये मेरा हुक्म है। क्या कह रहे हैं आप? मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कीजिए। अच्छा, बहुत परवाह है तुम्हें बच्चों की, तुम भी जाओ बच्चों के साथ, तलाक दे देता हूँ तुम्हें। सारी पैकिंग, तुम नन्ही सी जान अकेले कैसे करोगी, तुम तो थक जाओगी। यूं भी अचानक जब घर छोड़ने का ऑर्डर आ जाता है ना, तो इंसान वैसे भी थोड़ा सा बौखला जाता है। सुनो समरा, मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ हाँ, श्योर। अच्छा, आई एम सॉरी, सॉरी, मुझे भी बस यूं ही गुस्सा आ गया। अरे ये हिम्मत मुझ पे हाथ उठाने की जरूरत की ना, तो 3-4 महीने बिस्तर से नहीं उठ सकोगी, क्योंकि हड्डी का फ्रैक्चर कैसा भी हो 3-4 महीने तो लगते हैं उसे ठीक होने में। अपने कॉलेज की ब्लैक बेल्ट होल्डर रह चुकी हूँ मैं, यूं ही अक्सर कोई अनजाने में मेरे मुंह लगता था ना, तो 3-4 महीने तो उसको लग जाते थे बिस्तर से उठने के लिए। तुम्हारा तो छोटा सा बेबी भी है, सो बी केयरफुल। हाँ, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मुझे आदत नहीं है बात को दोहराने की, लेकिन क्योंकि तुम इस बात का इल्म नहीं है, इसे तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस घर में सिर्फ वो ही रह सकता है जिसे मैं रखना चाहती हूँ। इस बात का क्या मतलब, और आप ये बात मुझसे क्यों कर रही हैं? ओह, इंटरेस्टिंग। मैं तो समझती थी कि तुम बहुत ही बेजुबान लड़की हो, लेकिन तुम्हारी जुबान तो काफी तेज चलती है। या अल्लाह, क्या मेरे लिए जिंदगी में कहीं भी आसानी नहीं है? मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करती हूँ।
दुनिया वालों के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं मेरे लिए, सिर्फ तेरा दरवाजा खुला है। मेरे अल्लाह, मुझे बेआस मत लौटाना। मुझे बता, मेरे लिए दुरुस्त रास्ता कौन सा है? मेरी मदद कर अल्लाह, मुझे बता मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं? मेरी मदद कर अल्लाह। मैं इसे यहां रहने नहीं दूंगा। क्या करेंगे, मार डालेंगे ना, मार डालें। वैसे ही वो कौन सी जिंदा है? वो बस कर दें, बस कर दें सबके साथ ज्यादतियां करना, मेरे साथ, अम्मी के साथ, कशिप के साथ। तो आपने मत नाम लो उसका मेरे सामने। एहसन वही लड़का है जिसके साथ कशिप भागी थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज अपनी बीवी को लो और चले जाओ यहां से। तेज बुखार है, आंखें खोलो। मैंने कुछ नहीं किया। कशिप, कुछ नहीं किया है तुमने, क्यों स्ट्रेस ले रही हो? हाँ, कोई नहीं मानता। डॉक्टर को कॉल। मुझे नहीं माना वो। कशिप, कोई नहीं मानता तुम्हें। मैं साथ हूँ तुम्हारे, कोई कुछ नहीं कहेगा। अबू नहीं, अबू क्या हो गया है? इन दोनों ने कहीं अपने नंबर तो नहीं बदल लिए? ये कैसे हो सकता है? इमरान ने खुद अपना नंबर मेरे फोन में सेव किया था तो आमिर भी नहीं आया, इतनी देर हो गई। आपने दवाई और इंजेक्शन मंगवा लिए हैं? जी, मेरा बेटा गया है लेने के लिए, बस आता ही होगा। पिछले 3 घंटे से आप यही कहे चली जा रही हैं। अब अगर मरीज की हालत सीरियस हो गई तो फिर आप लोग हंगामा खड़ा करते हैं, फिर आप लोग हमें ब्लेम करते हैं कि हम केयर नहीं करते। नहीं, आता ही होगा, मैं फिर से फोन करती हूँ उसको। हद हो गई है, इतनी देर में तो बंदा दूसरे शहर से आ जाता है। तो क्या वो अभी यहां था?
रात यहाँ भी सो गया था और कश्यप कश्यप की तरह है। उसकी तबीयत खराब थी और मैंने उसको जाके देखा तक नहीं दोबारा। कश्यप कश्यप क्या करूं कश्यप, तुम्हारा हर रूप मुझे इतना प्यारा लगता है कि चाहूं भी तो तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। अस्पताल के पैसे देने थे ना बेटा, तो अगर दे देते तो कई मर्तबा कह चुके हैं, बड़ी शर्म आती है मुझे। अम्मा शर्माने की क्या बात है इसमें, मुझे ये बताइए आप, हम पैसे देकर ही जाएंगे ना, बगैर पैसे दिए भागेंगे तो नहीं। और इतनी बड़ी रकम अरेंज करने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा, मैं ऑफिस जाऊंगा तो अरेंज कर पाऊंगा ना। और आपने वो अपने लाड साहब को फोन किया इमरान को या नहीं किया? वो अपने ससुराल के महल में जाकर बैठ गया, ये उसके भी बाप हैं, ये सब उसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी नहीं है माँ। यहाँ कोई जुबैर साहब एडमिट है? कौन जुबैर साहब? जुबैर अहमद साहब। अच्छा सर, मैं चेक करके जी बता दें। जी जुबैर अहमद साहब हैं मौजूद, 201 रूम नंबर 201। ओके थैंक यू। हमारे वाजिबात अदा हो गए? ये कैसे हो सकता है, मेरा बेटा तो अभी घर से वापस भी नहीं आया। आपका बेटा? जी जी मेरा बेटा, वो घर गया था पैसे लेने के लिए, आएगा तो आपके सारे पैसे दे देगा। एक्चुअली मैम आपका बिल पे हो चुका है, एक साहब आए थे उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही पे किया। अम्मा आप यहाँ क्यों खड़ी? आमिर ये कह रही है कि हमारे पैसे अदा हो चुके, तुमने दिए बेटा? जी 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 मैंने अदा किया। नहीं नहीं आपसे पहले कोई और साहब आए थे उन्होंने बिल पे किया। कौन कौन है वो? सॉरी सर पहचान बताने से मना किया है। क्या तरीका, हम क्या किसी खैराती अस्पताल में खड़े हैं इस वक्त कि बिल हमारा और अदा कोई और करके चला जाए? आप मुझे बताइए हरकत की किसने, बताइए मुझे प्लीज। सर आप खामखां गुस्सा कर रहे हैं, पहचान बताने से मना किया है, उन्होंने कहा कि वही जुबैर साहब के बेटे हैं और कुछ दिनों से जुबैर साहब से बन नहीं रही है, इस वजह से वो अपनी पहचान छुपा रहे हैं। अम्मा आपने इमरान को फोन किया था कि अब्बा की तबीयत खराब? नहीं वो मैं ये छुप छुपा कर ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी, अपने आप को बहुत तीस मार खान समझने लग गया। ससुर के पैसे का याशी कर रहा है, हमारे मुंह पे तमाचा मारा है उसने। आप उसको कॉल करें और उससे कहें कि मुझसे आके मिले, उसके मुंह पे मार दूंगा मैं सारे पैसे। ये हमें यहाँ गुस्सा करने की क्या जरूरत है अस्पताल में, चलो मेरे साथ वैसे बात कर लो। चलो कश्यप, कैसी तबीयत है तुम्हारी? यहां कैसे आई मैं? बेहोश हो गई थी तुम,
इसलिए हॉस्पिटल लाई गई हो। ठीक हूँ। मैं हमेशा तुम्हें ठीक ही देखना चाहता हूँ कशफ। जबकि सारे दुख तुम ही ने थी, जानते हो ना? जानता हूँ, शर्मिंदा हो कशफ, चाहते हुए भी तलाफी नहीं कर पा रहा। चाहो तो कर सकते हो। रियली क्या करना होगा मुझे इसके लिए? वादा करो, मैं तुम्हें जो कहूंगी तुम करोगे। क्या कहना चाह रही हो कशफ? कुछ नहीं। बताओ ना प्लीज, क्या करूं, क्या करूं ऐसा जो मैं अपनी गलतियों की तलाफी कर सकूं तुमसे? तुम्हारा एतबार कैसे कर लूं मैं? आज तक तुमने जो भी वादा किया मुझसे कभी नहीं निभाया। हालांकि मैंने हमेशा कोशिश की है कशफ कि मैं कभी भी तुम्हें कोई दुख ना दूं। आई प्रॉमिस। दिल के साथ तो इंसान जी लेता है, लेकिन बिगड़ी तकदीर के साथ जीना बहुत मुश्किल है। तुमने मेरी तकदीर बिगाड़ी है हसन। बताओ कैसे तलाफी कर सकता हूं? छोड़ दो मुझे, तुम्हारी सारी गलतियां, सारे गुनाह माफ कर दूंगी। आजाद कर दो मुझे, तलाक दे दो। तुम हमें क्यों नहीं माफ कर देती? हाँ, क्यों आसिफ के साए की तरह अब तक हमारे साथ चिपकी हुई हो तुम? ये शख्स जो बदकिस्मती से तुम्हारा बाप है ना, आज तुम्हारी वजह से इस हाल में, इस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मैं तो कहती हूं कि तुम जैसी बेटियों का ना पैदा होते ही मर जाना चाहिए। ना सारी जिंदगी माँ बाप के लिए एक अजियत बन के रहती हो। सब कुछ मिल गया है तुम्हें ना, अब पीछा छोड़ो हमारा, जाओ यहां से। ये यहां क्या कर रही है? किस लिए आई है यहां? किसने बुलाया इसे यहां पे? भाई मैं अम्मा बाज नहीं आएंगी। क्या चाहती हैं आप? अब्बा को ऐसा वैसा कुछ हो जाए इस बेशर्म लड़की की वजह से? तुम छुप छुप कर बुलाती हैं आप इसे यहां पे? मैंने तो इस लड़की की वजह से हमारा बाप इस तरह मर पड़ा हुआ है। अब और कसर क्या बाकी रह गई है उन्हें मारने में? मैं तो बस अब्बू से माफी मांगने आई हूँ। तुम्हारी माफी हमारे बाप को मार डालेगी। निकलो यहाँ से और अपनी मनुष्य शक्ल आइंदा हमें कभी मत दिखाना। किस चीज का घमंड है तुम्हें? ये शख्स जितना तुम्हारा बाप है उतना कशफ का भी, और मेरी बीवी इतनी गिड़ी परी नहीं कि तुम उसके बारे में जो भी बकवास करोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अच्छा तो क्या करोगे तुम? हाँ, हाथ उठाओगे मुझ पे? छोड़ उसको। अपने ऊपर उठने वाले हाथ को रोकने की ताकत रखता हूं मैं, और मेरे इस मुरव्वत लिहाज को मेरी कमजोरी मत समझेगा। चलो कशफ, इस मनहूस शक्ल को अगर यहां मैंने दोबारा देखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। किस चीज का गुस्सा आ रहा है तुम्हें मुझ पे? हाथ क्यों लगाया तुमने मुझे? कसम ले लो मैंने हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ
सर गोद में उठाया था बहुत, तो दोबारा उठा के तुम मुझे इस तरह हमारे दरमियान कैसा रिश्ता है, इसकी आहट भी बाहर नहीं जानी चाहिए कैशव, प्लीज ठीक है। मेडिसिन ले लेना, नहीं लेना है। और हाँ बीवी हो तुम मेरी, हर तरह का हासिल है मुझे तुम पे, तो मुझे चैलेंज नहीं कर सकती समझी। वो पैसे कश्यप के शौहर एहसन ने जमा कराए थे, ये मुझे बाद में रिसेप्शनिस्ट से पता चला। कश्यप के शौहर एहसन ने? क्या जताना चाहते थे तुम? ये पैसे चोरी छुपे हॉस्पिटल में डिपॉजिट करवाकर मेरे बाप के इलाज के लिए क्या जताना चाहते थे कि हमारी ये औकात है कि हम अपने बाप का इलाज भी नहीं करवा सकते? ये हैसियत है हमारी? अगर आप इस वक्त मेरे घर पे ना खड़े होते ना मिस्टर आमिर, तब मैं आपको इस हरकत का मतलब समझाता, बल्कि मेरे मुलाजिम। तुम्हारे मुलाजिम और तुम्हारे कुत्ते तुम्हारा हुक्म मानते होंगे क्योंकि वो तुम्हारा खाते हैं, और तुम ये चंद हजार रुपए देकर हमें भी अपने मुलाजिमों में शामिल करना चाहते थे। मिस्टर ये भूल है तुम्हारी। भाई आपको बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, आप प्लीज यहां से चले जाएं प्लीज। आमिर भाई, कश्यप तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है। हाँ याद है ना, याद है शादी की रात जब तुम भागी थी घर से? हमारी इज्जत तो तुमने दो टके की कर ही दी, खैर लेकिन तुम भी तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही ना। लेकिन फिर भी देखो खुदा तुम पे कितना मेहरबान है, एक आलीशान घर में रह रही हो, ये दौलत, ये नौकर चाकर, सर पे बिठाने वाले लोग, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी कसम से। आप दोनों यहां से जा सकते हैं प्लीज। एहसन इसने अभी क्या कहा, कश्यप शादी की रात घर से भागी थी, इसने यही कहा है ना अभी? एहसन तुम ऐसी बदचलन लड़की, तुम्हारे लिए क्या यही रह गई थी मेरे बेहद बेटे के लिए? आपके इस बेहद बेटे ने ही मुझे दागदार बनाया है। इसी के साथ गई थी मैं, इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। पूछे इससे जो आपके सामने बेदाग है, इसकी वजह से सिर्फ मैं ही क्यों दागदार हूं, सिर्फ मैं ही क्यों? आप दोनों जाइए यहां से, गेट आउट, गो। इतनी हसीन लगती हो, मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने भी यही सोचा। अब क्या? यही कि अपने बारे में लगाए तुम्हारे और खुद के सारे अंदाजे खुद गलत साबित करने। मैं कुछ समझा नहीं कशफ। एहसन कल सारी रात जाकर मैंने खुद को अपनी कहानी सुनाई, कशफ की कहानी, और इस कहानी में मुझे अपना किरदार बहुत बुरा लगा, बहुत कमजोर, एक ऐसी बेजान कठपुतली जिसे सबने अपने इशारों पे चलाया और वो चलती भी रही, अपनी किस्मत
अपनी बेबसी पे सिर्फ रोती रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो कशव? सही कह रही हूँ मैं, दूसरों के इशारों पर चल चल कर मेरे तो पैर ही जख्मी हो गए, किसी ने चलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं हूं ना तुम्हारा सहारा कशव। मुझे किसी का सहारा नहीं लेना, और इन्हीं सहारों ने तो मेरे लिए मेरी जिंदगी को काबिल नफरत बना दिया। अम्मा, जब मैं आपसे कहकर गया था कि अब्बा ऑफिस का रुख नहीं करेंगे, तो फिर वो ऑफिस कैसे आए? आपने उन्हें तैयार करके ऑफिस क्यों भेजा? बेटा मैं तो समझा रही थी, लेकिन वो समझे ही नहीं मैं क्या करूं। अब्बा तो समझा रहे थे, उन्होंने पूरी जिंदगी ना किसी की बात सुनी है और ना समझी है, और ना अब समझेंगे। क्या जरूरत थी उन्हें ऑफिस आने की और ऑफिस में आकर इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करने की? तुम यहाँ साहबजादे किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? बाप हूं मैं तुम्हारा, इस घर का मुलाजिम नहीं हूँ। आप मेरे बाप हैं ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे शराफत से कह रहा हूँ कि घर पे बैठिए, फैक्ट्री आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरा कारोबार है, मेरा दफ्तर है, मेरी फैक्ट्री है, मेरा जी चाहेगा वहां आऊंगा, मेरा जी चाहेगा घर रहूंगा। तुम कौन हो तो बताने वाले? मालिक हूं मैं। मैं मालिक हूं क्योंकि आपने वो फैक्ट्री कारोबार और अपना ऑफिस मेरे बेटे शहरोज के नाम कर दिया है। अब उसके बालिग होने तक मैं उसका ओनर। अब्बा मैं आपको शराफत से कह रहा हूं कि अगर अब आप फैक्ट्री में नजर आए तो मैं अपने गार्ड से कहकर आया, वो सीधा आपको पागलखाने छोड़कर आएंगे। मैं अपने सारे स्टाफ को बता चुका हूं कि मेरा बाप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। खैरियत, आपने इस टाइम पे बुलाया मुझे। हाँ हाँ सब खैरियत है, बल्कि एक बहुत अच्छी खबर है जो मुझे तुमसे शेयर करनी है। कौन सी खबर? चलो तुम आओ तो मेरे साथ आओ, आओ तो ना तुम। तुम एहसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? एहसान होश में आओ, ये तुम्हारा होने वाला बहनोई है। क्या क्या कह रही हैं आप? हरगिज नहीं, इस शख्स की हमारे घर में कोई जगह नहीं। अम्मी तो इसका मतलब मेरी भी इस घर में कोई जगह नहीं है अगर आप शान को कबूल नहीं कर सकते। महवेश तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना एहसान से। किस बात का गुरूर है आपको, क्यों इतने जिद्दी हैं आप? मैंने कहा ना चुप हो जाओ। अम्मी बोलने थे, मैं भी सुनना चाहता हूँ ये असल में मुझे क्या समझती है। तो सुने, आप एक इंतहाई इनसेंसिटिव और कमजोर इंसान है। पहले आपने कश्यप की जिंदगी तबाह की और अब आप मेरी जिंदगी से खेलना चाहते हैं। महवेश होश में आओ, पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, तो इनको आईना दिखाना चाह रही हूँ जो आप नहीं चाहती कि ये देखे, बल्कि आप तो ये चाहती हैं कि ये अंधों की तरह पूरी जिंदगी आपकी उंगली पकड़ के आपके चलाए हुए रास्ते पे चलें, जो कि ये चल भी रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा क्या करोगी तुम? बताओ मुझे तुम क्या करोगी? अब कौन सी गंदी साजिश तुम्हारे जहन में चल रही है? आंटी मैं खुद तो यहाँ नहीं आया हूँ, आपने बुलाया तभी यहाँ आया। और मुझे और महवेश को कोई गलत फैसला करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते, बहुत मौके ही मिले थे हमको, लेकिन लगता है हमारी किस्मत में मिलना नहीं है। महवेश आप लोगों को यही लगता है ना कि महवेश की जायदाद के हिस्से की वजह से मैं उसके पीछे आ रहा हूँ? अगर ऐसा है तो आप उसको खाली हाथ रुखसत क्यों नहीं कर देते? लेकिन जो भी फैसला लें कम से कम उसमें आपकी रजा हो, आपकी खुशी हो। मैं चलता हूँ महवेश। जीशान रुको, जीशान ऐसा तुम ये क्या कह रहे हो? आप भी तो ये चाहती थी, और फिर महवेश की खुशी भी इसी में। फिर मैं क्यों अपनी जिद और खुदगर्जी में दोनों के रास्ते में दीवार बन के खड़ा हो जाऊं? एक खुशखबरी है जी, हम लोग फिर से दादा दादी बनने वाले हैं। अरे पहले दादा दादी बन के कौन सी जन्नत कमा ली हमने।
इन्हें खुला रहने दो, बहुत खूबसूरत लग रहे। May I come in, भाई? आओ, माशाल्लाह मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, सिर्फ मैं ही प्यारी लग रही हूँ? झूठ तो ना बोले भाई। अब भाई की भी तारीफ झूठी लगेगी तुम्हें। हाँ, मुझे पता है आप एक्चुअली किसकी तारीफ कर रहे हैं। ओ हाँ, आपको नीचे मम्मी बुला रही हैं, कुछ गेस्ट आए हैं, आपको उनसे मिल पाना चाह रही। अच्छा, मैं जाके देखता हूँ। I'm sorry कश्यप, मैं तुम्हें बहुत गलत समझी थी। ये कश्यप का घर है, यहाँ रहती है मेरी बेटी। देख ले, इतने गुल खिलाने के बाद भी खुदा कितना मेहरबान है उस पे। हाय, इस महल में रहती है आपकी बेटी। चले। जी, बड़ी अजीब सी बात है, कहने को तो हम दोनों समझ लें लेकिन पहली बार निकले। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बस कुछ अल्लाह मियाँ की तरफ से वक्त मुकर्रर होता है हर चीज़ के होने या ना होने का, तो शायद हम लोगों के मिलने का भी यही वक्त मुकर्रर होगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपके यहाँ बच्चे के निकाह की तकरीब थी और मैं ऐसे खाली हाथ आ गई। वो बस बैठे बैठे ख्याल आया कि बच्ची से मिलाऊं, उसकी शक्ल देख लूं, तो बस आ गई। आपका अपना घर है बल्कि आपकी बेटी का घर है, तो उसमें गैरियत कैसी? वैसे भी आंटी फंक्शन इतना बड़ा नहीं था, सादगी से था कुछ। मुझे और अम्मी को बहुत खुशी हुई आपको देख के, आप आई, थैंक यू सो मच। तुम दोनों को शादाबाद देख कर दिल खुश हो गया बेटा, मुझे तो बस सब कुछ मिल गया, अब अल्लाह ताला से कुछ नहीं मांगना मुझे। लेकिन आप खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे आंटी यहाँ से? जरूर रुक जाती बेटा, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे अंकल, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो इसलिए जाना ही होगा, फिर कभी से। चल, अगर उन्हें पता चल गया ना कि हम यहाँ कश्यप से मिलने आए थे, इन्हें तो रातों रात घर से बाहर निकाल देंगे। क्या पता, इस उम्र में तलाक भी दे सकते हैं। वैसे जिंदगी में तो उन्होंने कसम खा रखी है कि इसकी शक्ल तो कभी नहीं देखेंगे, ना तो भूल सकते हैं ना माफ कर सकते हैं जो इसने किया है। अल्लाह माफ करे, हरकत भी तो ऐसी है ना कि आप नहीं भूल सकते। चले आंटी, वरना आपका जो होगा सो होगा, पता नहीं मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे फिर। चलें। कश्यप, कश्यप, यकीन आ गया ना? मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। तुम खुश हो ना? क्या तुम खुश नहीं हो? मेरी खुशी का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, शायद मैं खुद भी नहीं। पता है जीशान, मेरे दिल में इतना डर था कि कहीं खुदा ना खास्ता हमारी शादी ना हो सकी तो। क्या हूँ, इतना चुप क्यों हो? कुछ नहीं, मैं आज तुम्हें सिर्फ सुनना चाहता। सिर्फ सुनना और देखना भी। I said get out! मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती, चली जाना चाहती हूँ यहाँ से। हाँ तो फिर चली जाओ ना, क्यों ढीठ बनकर खड़ी हो? तुम जैसी लड़की को, हाँ मुझ जैसी आवारा बदचलन बदकिरदार लड़की को वाकई यहाँ कोई हक नहीं है रहने का। आप लोग बहुत बड़े हैं,
वो ऊंचे मर्तबे वाले हैं। मुझे वाकई यहाँ से चले जाना चाहिए। आप लोगों के काबिल ही नहीं हूँ मैं। किस चिट्टाई से और बेशर्मी से तुम हर बात का इतराफ कर रही हो? जब तुम सब जानती हो तो जाओ यहाँ से। जानती तो मैं आपको भी हूँ। आपका असल में क्या मकसद है मुझे यहाँ से निकालने का? सुना सुना तुमने एहसन इसकी बकवास? एहसन मैं तुम्हें बताई दे रही हूँ, इसको यहाँ से निकालो, मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर मैंने सच बोल दिया तो आप क्या करेंगी? सोचा है आपने? सच क्या सच बोलोगी तुम? तो आप बस क्या है बोलने के लिए? झूठ, इल्जामात, बहतान? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आप मेरे साथ कर रही हैं। क्यों खड़े हो तुम यहाँ खामोश? तुम देख रहे हो ये क्या कुछ सुना रही है मुझे और तुम बुद्ध बनकर सुन रहे हो? तुम्हें अपनी माँ का कोई एहसास नहीं है ऐसा? हाँ, कहे अपने बेटे से कि मुझे आजाद कर दे, छोड़ दे मुझे, मैं यहाँ से खुद ब खुद चली जाऊंगी। ये शरीफ लड़की नहीं है। शरीफ लड़कियों के इस तरह के चलन नहीं होते एहसन। इसकी भाभी गलत नहीं कह रही थी। गलत थी, 100% गलत थी। अम्मी अगर कशिफ ठीक नहीं है ना तो इस दुनिया की कोई भी लड़की ठीक नहीं है। एहसन, मैं हल्फ उठाने को तैयार हूँ कशिफ के लिए कि इसका किरदार शीशे की तरह साफ है। कोई ऐप कोई बुराई नहीं अम्मी कशिफ में। मैं गलत हो सकता हूँ, बदकिरदार भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी कशिफ में कोई दाग नहीं है। मैं गवाह इस चीज का। पर अम्मी, मैं कशिफ को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ सकता। इस्मत, मेरी अम्मी कहा करती थी वो औरत दुनिया की खुशनसीब औरत है जिसका शौहर उसके किरदार की गवाही थे। और तुमने मुझे जीत लिया है सिर्फ, हमेशा के लिए जीत लिया मुझे। तेरा क्यों है? क्या हुआ आपको? जमीन पे क्यों हैं आप? गिर गया। अरे उठने की कोशिश कीजिए ना। नहीं, मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ, हिल भी नहीं सकता। किसी मर्द को बुलाओ, को आमिर वगैरह को आवाज दो। आमिर को बुलाती हूँ। आमिर, आमिर जल्दी आओ। महेश प्लीज यार, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है यार। झूठ, बिल्कुल झूठ। मुझे कसम ले लो यार, महेश प्लीज। तुम्हारी हर कसम झूठी है, हर वादा बेकार है। महेश प्लीज यार, मेरी बात सुनो यार, महेश प्लीज प्लीज। पूरी रात होटल के इस कमरे में मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुम मुझे छोड़ के पता नहीं कहां चले गए। तुम्हारा फोन भी ऑफ था। महेश, मैं रिंग लेके बाहर निकला हूँ, दो लोग आए, उन्हें गन पॉइंट पे मुझसे रिंग भी छीन ली और मेरा मोबाइल भी छीन लिया है, प्लीज यार। कभी तुम्हारा कोई फोन छीन के चला जाता है, कभी तुम्हारे फोन की बैटरी डेड हो जाती है, कभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, तुम्हें तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रिंग लेके निकला हूँ, दो लोग आए, उन्हें मुझसे रिंग भी छीन लिया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया, प्लीज मेरा यकीन करो प्लीज। अच्छा तो वो लोग फिल्म के चले गए और तुम किसी फिल्म की मजबूरी हीरोइन की तरह उन्हें देखते रह गए। नहीं जीशान, ने मेरे कीमती मोमेंट स्पॉइल किए, के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। इस बात का कोई फायदा नहीं। क्यों?
क्यों कोई फायदा नहीं? क्योंकि एहसन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, वो अब हर मामले में सिर्फ और सिर्फ कशफ को डिफेंड करता है। अजीब बात है, मुझे तो लगा कि वो आपकी कोई बात रद्द नहीं कर सकता। हाँ नहीं करता, कर भी नहीं सकता, लेकिन ये कशफ बहुत बड़ी जादूगरनी है। पता नहीं क्या गुड़ जानती है कि उसके सामने एहसन कुछ बोल ही नहीं पाती। हालांकि मुझे तो पूरा यकीन था कि कल शाम को कुछ न कुछ जरूर होगा, जो कुछ मैं आपसे कहकर गई थी। हाँ तो मैंने कहा ना, मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये कशफ। तुम्हारा क्या फायदा इस बात से कि एहसन कशफ को तलाक दे दे? कशफ जैसी मनहूस और बदकिरदार लड़की को एहसन की जिंदगी में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। इतनी नफरत करती हो तुम कशफ से? नफरत एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। तो फिर कुछ करो, कुछ भी, लेकिन इस बला को मेरे घर से और मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो। आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दें प्लीज। गुड, मुझे सच सच बताओ, तुम आज सुबह रोती हुई घर वापस क्यों आई थी होटल से? क्योंकि वो मुझे रात होटल में अकेला छोड़ के चला गया, तो मैं पूरी रात वहां अकेली पड़ी रही। What? फौजिया भाभी घर आई थी खाने के लिए, नहीं रोका आपने उन्हें? तुम उसको देख के क्यों छुप गई थी? तुम उसे रोक लेती? बिल्कुल ऐसे ही करती, लेकिन फिर शायद आपको ही अच्छा ना लगता। क्या मतलब? मतलब ये कि फिर शायद आपको लगता मैं आप दोनों की तन्हाई में मुखल करने की कोशिश कर रही हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? जो आप समझ चुकी हैं लेकिन फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं। होश में तो हो तुम? आप दोनों मिलकर जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन एहसन और मुझे जुदा नहीं कर सकते। फौजिया, कहां से आ रही हो तुम? ये मत कहना कि तुम शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि कल पूरी शाम तुमने शॉपिंग पे लगाई। अपनी दोस्त के घर गई थी, जरूरी काम था मुझे। फौजिया, तुम क्यों मेरी बच्ची की हंसती खेलती जिंदगी के पीछे पड़ गई हो? अब तुम्हें क्या चाहिए कशफ से? ये आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं? अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं फौजिया। सच सच बताओ कि तुम वहां क्यों गई थी? हामिर? फौजिया मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अपना एतबार पहले ही खो चुकी। मुझे बताओ कि तुम वहां क्यों गई थी? क्या दुश्मनी है तुम्हारी कशफ से? शदीद नफरत।
इसके अलावा मेरे पास और कोई जवाब नहीं है। उसकी बर्बादी में मुझे मुझे खुशी मिलती है। क्या चाहती हो तुम? आप इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आप खुद समझ सकती हैं कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ अगर आपका काम हो जाए तो। इस सारे काम के लिए मैं तुम्हें 5 लाख कैश दे दूंगी। इस बेहुदा हंसी का क्या मतलब है? आपके एक फोन कॉल पे अगर मैं दौड़ी चली आई तो आपने मेरी ये वैल्यू लगाई। मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। मैं तुम्हें 10 लाख नकद दूंगी, आगे तुम्हारी मर्जी। एहसन करोड़ों का मालिक है। कश्यप से तलाक दिलवाने के बाद उसका रिमोट कंट्रोल फिर से आपके हाथ में आ जाएगा। बदले में मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ 10 लाख? 50 लाख से एक कौड़ी भी कम नहीं लूंगी मैं। और आइंदा यहां आपके ऑफिस आपसे मिलने भी नहीं आऊंगी। समझ में आया मामला? तो बाकी बातें फोन पे तय कर सकते हैं हम। नंबर तो है ना मेरा आपके पास? एहसन, जूते समेत ही बेड पे आप लेट गए। आंटी ने मुझे बताया था आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको पेन किलर दे देती हूँ ताकि आप ताकि मैं खा कर सो जाऊं। और तुम? और मैं? कुछ है कुछ। एहसन मुझे बताएंगे अगर कुछ है तो? फरार किसी मसले का हल नहीं होता, मसले को फेस करना पड़ता है। एहसन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कश्यप जाओ यहाँ से। एहसन आप मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? एहसन क्या किसी ने आपको मेरे बारे में कुछ कहा है क्या? प्लीज मुझे बताएं अगर ऐसा है तो। कुछ नहीं कहा किसी ने, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ देर अकेले में रहना चाहता हूं। ठीक है, अगर आपको अकेले में सुकून और आराम मिलता है तो चली जाती हूं मैं। दवाई साइटे पर भी पड़ी है, खा लीजिएगा, आराम आ जाएगा। तुम्हारी और नवीद की एंगेजमेंट तुम्हारी मर्जी से हुई थी, क्या तुम उसके बहुत करीब थी कश्यप? ये क्यों पूछ रहे हैं? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मुझे आपके फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं देना। लाइट बंद करके जाना। तो बस इतनी सी उम्र थी मेरी खुशियों की, वक्त चंद दिन। मैं एहसन की आंखों में शक की परछाई देख रही हूं, मेरे किरदार की कस्में खाने वाला मुझसे बदगुमान हो गया। या अल्लाह ये इम्तिहान कब खत्म होगा? एहसन
मकसद क्या है इस सारे सुलूक का? रास्ता छोड़ो मेरा कश्यप। छोड़ देना चाहती थी, बहुत पहले छोड़ देना चाहती थी, लेकिन आप ही नहीं माने थे। और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय आपके रास्ते में खड़े होने की। ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, जाने दो। ठीक है, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूंगी। क्या हो गया तुम्हें कश्यप? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हो गया आपको एहसन? क्यों मुझे कल से तकलीफ दे रहे हैं आप? मैं तकलीफ दे रहा हूँ? हाँ, आप तकलीफ दे रहे हैं। क्यों अपनी मोहब्बत को सजा बना दिया मेरे लिए? क्यों मैं ये सजा झेलते झेलते मुझे मेरा कसूर ही बता दे? मुझे पहले तुम्हारी इन बातों पे गौर करना चाहिए था कश्यप, सोचना चाहिए था कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों सेपरेशन चाहती हो मुझसे। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती कश्यप, मैंने की थी और अब मैं अकेला भुगत रहा हूँ। क्या भुगत रहे हैं आप अकेले? भुगत तो मैं रही हूँ, तन तनहा, बिल्कुल अकेली। और आपको तो जब जी चाहता है मेरे हो जाते, जब जी चाहता है पराए हो जाते, अपनी माँ के बेटे बन जाते, और फिर तो आपके रास्ते में खड़ी मैं आपको नजर भी नहीं। आपके पास तो सब कुछ है, आपका घर है, अपने हैं, रिश्ते हैं, अकेली तो मैं हूँ ऐसे। ना मेरा घर है, ना रिश्ते, ना ही अपने। इतना मलाल है कश्यप, तो चली जाओ वापस। वापसी के काबिल छोड़ा ही कहाँ है आपने मुझे? क्या सारा कसूर मेरा? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरी खातिर सिर्फ नहीं निकाला घर से। कहना क्या चाहते हैं? जो कहना चाहता हूँ ना कश्यप, नहीं कह सकता। हाँ, उस नबी से मंगी हुई थी मेरी जबरदस्ती, सिर्फ मेरे घर वालों की मर्जी से। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कितनी मिन्नतें की थी मैंने आपकी कि अपने घर वालों को भेज दे मेरे घर, और अब उस पुरानी बात को मेरे सर पे इल्जाम लगा के थोपना चाहते आप। मैंने सिर्फ आपको चाहे, सिर्फ आपसे मोहब्बत की है ऐसे, यही मेरा जुर्म भी है। इतनी नफरत है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? नफरत सिर्फ मुझे नहीं है आपसे, सब नफरत करते हैं आपसे सब, खास तौर पे आपकी वो बेटी कश्यप। जाके पूछे जरा उससे। आप क्या पूछेंगे, वो तो आपको एक दफा पूछने ही नहीं आई, करोड़ों में खेल रही है करोड़ों में, लेकिन वो तो थूकती भी नहीं आप पे। फौजिया, तो इस समझ में क्यों नहीं आता कि सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर करूं? दिन रात मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि कश्यप ऐसी की जिंदगी से निकल जाए और ऐसन पहले की तरह मेरे इशारों का गुलाम बन जाए, ताकि ये सारी बिजनेस, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम पर हो। ऐसन, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पता नहीं आपको मेरी बात पे यकीन आए या ना आए, लेकिन यह सच है। बोलो, मैं सुन रहा हूं। क्या कहना चाह रही हो कश्यप? ऐसे ना, अगर मैं एक भी लफ्ज झूठ कहूं या गलत कहूं, आपके दिल में जो सजा है मुझे दे दीजिएगा, मुझे कबूल होगी। लेकिन मतलब क्या है तुम्हारा कश्यप? मैंने खुद आपकी अम्मी को महफिज से ये बात कहते सुना है। क्या कह रही थी महफिज से? वो ये कह रही थी कि वो आपके दिल में मेरे लिए शक पैदा कर चुकी और आप बहुत जल्दी मुझे तलाक दे दें, और ये भी कि उसके बाद की सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस सब महविश का हो जाएगा, और फिर वो आपको अपने रास्ते से हटा देंगे। नवीन भाई, उफ अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वापस आ गए। कसम से मैं तो हैरान हूँ, कितने बड़े दिल के मालिक हैं आप। आपकी जगह कोई और होता ना नवीद भाई, पलट के भी नहीं देखता। अरे पगली, ऐसा हो सकता है कि मैं पाकिस्तान आऊं और अपनी बहन से मिले बगैर चला जाऊं? ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। अब छोड़ो ये सारी बातें और बताओ कैसे हो।
आप बैठे ना नवीद भाई, मैं आपके लिए जबरदस्त नाश्ता बनवा के लाती हूँ। हाँ, थके हुए होंगे ना, बिठाओ ना बिठाओ। Come on यार, cheer up। कुछ ही दिन में मॉम उस कश्यप को इस घर से चलता करेंगी और फिर बस हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। How romantic and how boring। तुमने क्या सोचा था कि उसने तुम्हारी किरदार की कसम उठा ली, चंद दिन तुम्हारे साथ मोहब्बत में गुजार लिए तो तुम्हारी मुट्ठी में आ गया? अब पता चला मुंह के बल कौन गिरा। अगर मैं चाहूं ना तो अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ऐसा तुम्हें खुद तलाक के कागजात देकर इस घर से निकालेगा। और अगर यही सब कुछ जो आप कह रही हैं आपको कहते हुए वो खुद सुन ले तो क्या वो तब भी यकीन नहीं करेगा? वो वक्त दूर नहीं आंटी, और आप देखिएगा ऐसा ही होगा। आप यही सब कुछ यूं ही कह रही होंगी और वो सुन रहा होगा। फिर मुझे या किसी को भी आपकी असलियत बताने की जरूरत नहीं पेश आएगी। मुझे बुलाया, आपने यही कहा था ना, कहाँ है अब्बू? पूरे 10 लाख, बाकी 40 लाख एहसन और कश्यप की तलाक के बाद। तलाक? ये शर्त तो आपने पहले नहीं रखी, बात हमारी सिर्फ रिश्ते खराब करने की हुई थी ना। मैं खुद भी ये काम कई बार पहले कर चुकी हूँ, लेकिन वो उस रोती धोती कश्यप को दोबारा अपनी जिंदगी में ले आता है। 40 लाख तुम्हें तलाक के बाद मिलेंगे। गिनना चाहती? गिनती आती है तुम्हें? ऐसे मामलों में मैं गिनती से नहीं, इतमाद से काम लेती हूँ। अब्बू, मुझे माफ कर दो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है मैं खुशी के मारे मर जाऊंगी। अब्बू बेटा, माफ तो तुम मुझे कर दो, मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा। नहीं अब्बू, प्लीज ऐसे कुछ ना कर। अब्बू तुम यहां कैसे आई हो? कैसे कदम रखा तुमने इस घर में? किसने बुलाया तुम्हें? मैंने। सॉरी, वो तुम यहाँ? कश्यप, मैं तो बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरी तरफ देखते ही नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितने दिन से तुम्हारे घर पे हूँ, तुम्हारी नजर ही नहीं पड़ती मुझ पर। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, तुम्हें शोर मचा दूंगी। अच्छा, शोर मचा दोगी तो फिर क्या होगा? वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे अब कमजोर मत समझना, पहले वाली कश्यप नहीं रही अब मैं। कश्यप? खैरियत? हेलो, देखो कश्यप, आई एम सॉरी। किस लिए? मेरी उन तमाम हरकतों के लिए जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची और दुख हुआ। हालांकि सॉरी करने से उन गलतियों का अजाला नहीं हो सकता है, और ना ही। देखिए, आपको जो कहना है प्लीज जल्दी कहें, वैसे भी मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। इन शॉर्ट तो मैं सॉरी कर चुका हूँ ना, लेकिन वो मेरी बहन ने मेरी मोहब्बत में जो आपके साथ ज्यादतियाँ की हैं ना, और मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश की, उसके लिए मैं प्लीज़ आप। हालांकि जब मैं यहाँ से वापस गया हूँ तो मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों को बड़ी ज्यादती कर दी, सो बैड। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। अरे, मेरी बात ख़त्म कहाँ हुई? अभी मैं बात कर रहा हूँ।
देखिए मुझे आपकी किसी बात से कोई गर्ज नहीं है, प्लीज रास्ता छोड़े मेरा। देखो कश्यप, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, मेरे दिल से तकलीफ खत्म नहीं होगी। क्या हो गया आपका, आप क्यों पीछे पड़ गए मेरे? मैंने कहा ना मेरा रास्ता छोड़े। इतना मतलब खुदा भी माफ करने वालों को माफ कर देता है, तुम इतनी संदिल कैसे हो सकती हो कश्यप? प्लीज आई एम सॉरी। मैं एक मामूली इंसान और मुझसे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत फजूल है। अब हटे मेरे आगे से। सर, एक्सक्यूज मी सर, आपको डॉक्टर साहब बुलाना प्लीज। श्योर मैम। पहुंचिए, तुम दो मिनट रुको, मैं डॉक्टर की बात सुनकर आता हूँ। आमिर, पता नहीं अचानक से मुझे चक्कर क्यों आने लग गए हैं। दो घंटे हमने वहाँ वेट किया, और मजीद कितना वेट कर सकती हूँ मैं। अच्छा तुम दो मिनट रुको ना, बात सुनकर आता हूँ मैं डॉक्टर। कशफ, पता नहीं मुझे अचानक से घबराहट क्यों होने लग गई, अंधेरा सा आ रहा है मेरी आंखों के सामने। क्या क्या हो गया भाभी आप? क्या क्या हो? पानी मैं अभी लेकर आती हूँ। पानी मैं अभी फौजिया, फौजिया, अरे कश्यप बेटा, आमिर, ये फौजिया। कोई एक काम तुम जो है ना जिम्मेदारी से नहीं कर सकती। अब्बा को तुम्हारे पास छोड़कर गया था ना, कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तुमने। मैं तो यही थी, वो फौजिया भाभी को पूछा, अस्पताल में लोगों से पूछा, नर्सों से, डॉक्टर से। अरे हाँ बाबा, सबसे पूछा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। सर आप आज हॉस्पिटल का विजिट नहीं करेंगे? नहीं, लेट हो रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ, और मेरी बात सुनो, कोई गलत फहमी होगी, गलती होगी, मैं पागल नहीं हूँ, तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? ये गलती हुई है मुझे, मुझे अस्पताल से पता क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो आप छोड़े ने। आप और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? आमिर, मुझसे नहीं, मेरा यही बच्चा के लाया है मुझे। कहाँ चले गए थे जी आप? बच्चों ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, मैं तो चीते जी मर ही गई थी। मामूजान कैसी तबीयत है आपकी अभी? कहाँ से लाया हो तुम इन्हें, कहाँ मिले ये तुम्हें? अल्लाह तुम्हें इससे एक काम का अच्छा देगा बेटा। ये अल्लाह अगर इसे फरिश्ता बन के वहां ना पहुंचता, मैं सारी जिंदगी उस पागल खाने में पड़ा सड़ता रहता और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता। आप पागल खाने में, लेकिन आप वहां कैसे पहुंचे, कौन लेकर गया था आपको? क्या ये झूठा मकार शख्स ये छोड़ के आया था मुझे पागल खाने? इसने हमारे पूरे घर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये अबू क्या कह रहे, तुम छोड़ के आए थे उन्हें वहां? ये कश्यप, हम जन झूठ बोल रहे हैं। झूठ तुम बोल रहे हो, हॉस्पिटल वालों के पास सबूत है कि तुम ही इन्हें उधर छोड़ कर आए थे। हाँ हाँ, हॉस्पिटल वालों के पास तो सबूत होगा भाई, अब तुम्हें सारे घर वालों के दिल में जगह जो बनानी है तुम तो बोलोगे। शट अप।
है सर, है सर। आपकी अम्मी ने मुझे जाते हुए नहीं रोका था क्योंकि वो घर पे नहीं थी और ना ही वो मेरे घर आई थी। तो फिर उन्हें पता कैसे लगा कि नवीन तुम्हारे घर आया? मैं क्या कह सकती हूँ। किधर है नवीन? बुलाओ उस दलील इंसान को, आए और आकर अपनी आंखों से देखे इस फुटेज को, फिर झुटलाए इसे। मैं देखता हूं इसे। फौजिया, फौजिया, मुझे तो लगता है जी ये सब कुछ फौजी और नवीद की मिली भगत से हुआ है। एक करोड़ के बदले में महवेश को चंद दिनों बाद तलाक दे देगा। तुम क्या समझे थे आप? हम इतने घटिया और इतने बेगैरत हैं कि तुम हमारे बाप के साथ कुछ भी करते रहोगे और हम तुम्हें ऐसे ही जूझ जाने देंगे? हाँ बताओ, बताओ क्या दुश्मनी थी मेरे बाप से तुम्हारी? बताओ। आमिर, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी तो इसकी थी, फौजिया की। इसने कहा था कि मामू जान को पागलखाने भेज दो ताकि कुछ दिन हम आराम से रह सके। पूछे, झूठ बोल रही है। आमिर कसम से मैंने कुछ नहीं किया, सब इन्हीं ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ है ये। तुम्हारे बगैर कैसे कर सकता हूँ? तुमने फोन करके मुझे नहीं कहा था कि तुम यहाँ आ जाओ और कश्यप और एसर के बीच में तलाक करा दो? तुमने तो मुझे कहा। बता नहीं है मुझ में, बिल्कुल झूठ है ये। कि तुमने कश्यप की सास के साथ मिलकर ये सारा प्लान किया था, फेक तस्वीरें उसको भिजवाई थी ताकि उसकी तलाक हो जाए। मैं यहाँ पे क्यों? मुझे बताओ मैं क्यों? कश्यप यहाँ क्यों है? पूछे जरा। झूठ बोल रहा है ये आदमी। फौजिया, तुम अंदर से इतनी घटिया और दलील हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। बताओ, बताओ मेरे बाप की तुमसे क्या दुश्मनी थी? क्या बिगाड़ा था मेरी इस मासूम बहन ने तुम्हारा? बताओ मुझे, इस बात का जवाब दो। बताओ बताओ फौजिया, क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने तुम्हारा? क्यों तुम बार बार उसकी जिंदगी से खेलती रही? क्यों तुमने उसकी इज्जत का तमाशा बनाया पूरी दुनिया में? अल्लाह का कहर नाजिल होगा तुम पर, मेरी बच्ची का सब्र समेटा है तुमने। हाँ हाँ, मैंने बर्बाद किया इसे। नफरत करती हूँ मैं, नफरत करती हूँ मैं दोनों से। जी माँ, मेरी माँ इस औरत की वजह से तड़प तड़प के मरी है, तो मैंने सोचा मैं इसकी बेटी से बदला लूंगी और मैंने बदला लिया। बर्बाद कर दिया है मैंने इसको, मैं वैसे भी इसको नापसंद हूं और ऊपर से आमिर को मेरे खिलाफ भड़काती रही सारी जिंदगी। अरे ये दोनों मुझे तुम्हारे खिलाफ क्या भड़काएंगी? मैं तुम्हें तुम्हारे काले करतूतों की वजह से अपने साथ तो क्या जिंदगी में भी नहीं रखना चाहता। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुमसे नफरत है फौजिया। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। अबे चुप हो जा। नहीं, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। अबे नहीं, अबे नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। चुप हो जा। नहीं करो फौजिया। Thank you.
पूरे 10 लाख हैं, बाकी 40 लाख एहसन और कश्यप की तलाक के बाद। तलाक? ये शर्त तो आपने पहले नहीं रखी। बात हमारी सिर्फ रिश्ते ख़राब करने की हुई कि ना। मैं खुद भी ये काम कई बार पहले कर चुकी हूँ, लेकिन वो उस रोती धोती कश्यप को दोबारा अपनी ज़िंदगी में ले आता है। 40 लाख तुम्हें तलाक के बाद मिलेंगे। गिनना चाहती? गिनती आती है तुम्हें? सोचा नहीं था किस्मत ये रंग दिखाएगी। बड़े डायलॉग बोलने आ गए तो। खैर, क्या काम, क्यों आए हो? आपको आपका वादा याद दिलाने और उस कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाने जो आपके और मेरे दरमियान, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे महवेश को शादी के बाद इतना तंग करना था कि वो मुझसे खुद डिवोर्स मांगे। मैंने अपना काम कर दिया, टाइम है कि आप अपना वादा पूरा करें। तो बहुत ही लालची गिरनुमा इंसान, पहले तो मेरी बेटी के साथ झूठा ड्रामा रचाया मोहब्बत का, तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत? चंद नोटों के बदले? आप भी तो ये सब नोटों की वजह से कर रही हैं। अगर मैं गिद्ध हूं तो आप क्या हैं? अपनी बकवास बंद करो। लेकिन नहीं, तुम्हारा मुंह यूं तो बंद नहीं होगा। ये लो, इनको उठाओ, अपना मुंह बंद करके हमेशा के लिए यहां से दफा हो जाओ और दोबारा जिंदगी में अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं दिखाऊंगा, ये शहर तो क्या, ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं, मैंने महवेश से दिल से मोहब्बत की थी, सच्चे जज्बों से चाहा था मैंने उसको। अगर आप ये मुआहदे की घटिया बात ना करती तो मैं उसे कभी ना छोड़ता, बल्कि शायद यहां से कहीं दूर ले जाता, हम लोग गुर्बत की जिंदगी ही गुजार लेते। अभी भी डायलॉग बोलने का शौक खत्म नहीं हुआ? बंद करो अपनी ड्रामेबाजी, ये पैसे लो और जाके ऐश करो। महवेश की बात अब मुझे किसी से मोहब्बत नहीं होगी। खुदा ऐसा ऐसा बेटा, तुमने देखा किसी ढिटाई देखी? पहले तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की और उल्टा मुझे ही ब्लैकमेल करने के लिए चला आया। अभी पुलिस की धमकी लगाई है ना तो भाग रहा है। सुनो, जाने से पहले अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साथ ले जाओ जो तुमने शादी से पहले मम्मी के साथ साइन किया था। मुझसे क्या चाहिए था? घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, दौलत, आप एक बार कह के तो देखती, मैं सब कुछ आप पे वार देता। कश्यप को लेके इस घर से खाली हाथ निकल जाता, कभी जिंदगी में आपको अपनी शक्ल ना दिखाता, आपको मैं इतना बुरा लगता था, कभी आपके सामने ना आता। मेरी तो वही मौत चाहिए थी, मम्मी आप इशारा करती, मैं खुद को नो पॉइजन से ऐसे खत्म कर लेता कि आप पे किसी को शक भी ना जाता। तो मैं आपसे आपकी मोहब्बत और चाहत के अलावा कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं मांगा, तो आप क्यों किया?
लेंगे लेंगे, नाश्ते के बाद नहीं लेंगे तो दोपहर को खानी पड़ेगी, तुम कौन सा जात जोड़ दोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर वो अपना इमरान कब आ रहा है, मतलब उसकी फ्लाइट कितने बजे? अब 5 बजे की फ्लाइट, मैं इंशाल्लाह ऑफिस से सीधा उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट चला जाऊँ। अच्छी बात है। और उनसे एहसन और कशफ से कह दिया था ना कि रात का खाना हमारे साथ ही खाएं? जी जी, कशफ और एहसन से मेरी बात हो गई थी कि मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई आज रात का खाना आप लोगों का हमारे पास। रूज बेटा नाश्ता कर लो और फिर शहरों को मुझे ला लो। जी सर। अब हाँ, अब तो आप अपने पोते को ही लिफ्ट करवाएंगे, हमें कौन लिफ्ट करवाएगा। जाहिर है भाई, सुजर से सूद ज्यादा अजीज होता है। मेरी बर्थडे याद थी? मैं कैसे भूल सकती हूँ ऐसे। टू द कैंडल्स। हैप्पी बर्थडे डैडी। तुम्हारा तीसरा सरप्राइज। I'm so happy, Kata. Blow the candle.